गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है दोस्तों, वेलकम एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों, सभी का स्वागत है। देखिए, इस बैच के अंदर काफी दिन के बाद क्लास हो रही है। वैसे आपकी क्लासेस नॉर्मली जैसे चल रही हैं, कंटिन्यूअसली क्लासेस हो रही हैं। इस कोर्स में जो आखिरी क्लास तब से लेकर अब तक, ऐसा नहीं है कि हम मिले नहीं हैं, हम बस इस बैच में नहीं मिले हैं। उसका रीजन भी देखिए क्या है कि जब मल्टीपल सब्जेक्ट चलते हैं तो हमें सबको साथ लेके चलना होता है। एक रीजन ये भी है कि मैंने वाला जो गैप दिया है वो रीजन एक्चुअली ये है कि देखिए, एंशंट को छोड़कर बाकी अपना सब कंप्लीट हो गया है। तो जनरली अगर बीच में बच्चे को गैप मिल जाता है ना, तो वो अपने पेंडिंग काम को पूरा कर लेता है और सब लोग ऑन द सेम पेज आ जाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने भी उस समय का फायदा उठाया होगा। करीब आपको बीच में 2 हफ्ते का समय मिला था एंड आपने मिडिवल और मॉडर्न का पोर्शन जो है पूरा तैयार कर लिया होगा, ठीक है? किसी वजह से अभी भी रह गया है तो वैसे तो आपकी गलती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप उसे बाद में भी पूरा कर सकते हैं। जो कंसर्न है मोहित, आप मुझे क्वेश्चन टैब में भेज दीजिए। जो बात है, चाहे वो डाउट सेक्शन में या रेज हैंड, वो मैं क्लास के एंड में करूंगा, करीब 12:15 बजे के आसपास, ठीक है? चलो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी एंशंट हिस्ट्री की। अब एंशंट हिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं आपके करीब 5 से 7 मिनट लेना चाहूंगा। 5 मिनट में मेरा काम हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है मॉडर्न के बारे में, मीडिवल के बारे में। इतना ज्यादा डिटेल में होता है ये कि हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास एग्जैक्ट डेट्स अपने को पता होती है कि भाई अगस्त क्रांति हुई तो वो 8 तारीख को या 9 तारीख को हुई। गांधी इम्पैक्ट साइन हुआ तो हमें पता है 5 तारीख को साइन हुआ, 5 मार्च 1931, है ना? जैसे जैसे आप समय में पीछे जाते हैं, जैसे अगर मैं आपसे आज ही की बात करूँ तो आज का तो आपको घंटे के हिसाब से भी पता है आप सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा और पीछे जाएंगे अपनी याददाश्त में तो आपको ऐसा पता होगा कि हाँ, हर साल में से आपको 2-4 बातें याद होंगी। जैसे आज से 10 साल पहले की अगर मैं आपसे बात पूछूं तो आपको हो सकता है उस साल से 1 या 2 बातें याद हो, भाई ऐसा ऐसा कोई बड़ी घटना हुई थी, वो अच्छी बुरी कैसे भी हो सकती है। आप और पीछे जाएंगे तो एक समय आएगा जब जितना पीछे आप जाते जाएंगे उतनी इन्फॉर्मेशन लेस होती जाएगी, ये तो आप मानते हैं ना? यानी हमें जितना पता है पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में उतना हमें चंद्र मौर्य जी के बारे में नहीं पता। इसका ये मतलब नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसका मतलब सिंपली ये है कि उनके जमाने में उतना ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किस चीज का नहीं हुआ, कोई लिखकर नहीं गया, हो सकता है लिखकर गया हो वो डिस्ट्रॉय हो गया हो या जो भी कुछ हो। तो एंशियंट हिस्ट्री के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी आपको कि आप जो है ज्यादा डिटेल की उम्मीद करेंगे बट उतनी उतनी डिटेल होगी नहीं। तो उस चीज को लेके अपने माइंड को थोड़ा सा तैयार रखना कि एंशियंट में उतना डिटेल एग्जिस्ट नहीं करता, उतना क्लैरिटी नहीं मिलती जितनी कि हमें मॉडर्न या मिडिवल में मिलती है, ठीक है जी? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास मोहित मेरी कल ही है, कल आप थोड़ा सा नेट बचा के रखिएगा या फिर आप एक काम कर लीजिए, एग्जैक्ट 12 बजे आ जाइएगा। हो सकता है उस समय मेरी क्लास चल रही हो, आपका नेक्स्ट डे लग जाएगा तो आपका पैक रिन्यू हो जाएगा, उस समय भी आप आके जो है बात कर सकते हैं, ठीक है? चलो अभी के लिए फोकस करते हैं। अब एंशियंट हिस्ट्री में आपको पढ़ाने वाला हूँ, समझने की कोशिश करिएगा, वही 5 मिनट चल रहे हैं जिसमें मैं आपका आपके दिमाग में भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंशियंट हिस्ट्री में आपको करीब 6 से 8 क्लासेस में पढ़ाऊंगा, 6 से 8 क्लासेस लमसम, मोटा मोटा आइडिया, ठीक है? तो इसके अंदर जो सबसे मुश्किल क्लास होगी वो होगी क्लास नंबर 1, दैट इज आज वाली। उसका रीजन ये है कि जब हम आगे चलेंगे तो हम बुद्धिज्म, जैनिज्म, अशोक, गुप्ता साम्राज्य, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, वहां पर फिर भी ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन होगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है, या फिर ये जो कैलको जैसे आयरन कब आया, कॉपर कब आया, या फिर प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है, पैलियोलिथिक एज क्या होता है, नियोलिथिक, मीजोलिथिक, ये वो फालतू बातें। अब इसमें क्या होगा, एक तो ये बड़ा मुश्किल है, ऊपर से आप इधर उधर की जैसे कमेंट कर ही रहे हैं, इससे क्या होगा आपका फोकस और कम हो जाएगा। तो पैक रिन्यू हो या ना हो, इन्फॉर्मेशन रिन्यू नहीं हो पाएगी आपके दिमाग में। यानी जैसा आपके दिमाग में ज्ञान 10:10 पे है वैसा ही 12:10 पे भी रहेगा। अगर आप उस चीज से बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा फोकस करिए क्लास में, क्योंकि ये जो आप बातें लिख रहे हैं कुछ खास काम की बातें नहीं, ये सब SSC नहीं पूछता, ठीक है? दोस्तों शुरू करते हैं कहानी आज की क्लास से जुड़ी। एक और बात बस मैं कहना चाहूंगा, इसे रिवाइज कर लेना। अगर आज की क्लास आज रिवाइज ना कर पाओ तो कल 10 बजे आने से पहले रिवाइज कर लेना, बिकॉज ये डेटा ना थोड़ा स्कैटर्ड सा है, बिखरा 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 है, तो अगर इसे पढ़ोगे नहीं तो फिर भूल जाओगे, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट बात, आज की क्लास में से सवाल थोड़े से कम आते हैं, तो अगर आज की क्लास में 20 में से 19 चीजें भी समझ आएंगी तो काम चल जाएगा, ठीक है? समझ पा रहे? मोटी मोटी चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, बाकी किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता किस जमाने में क्या हुआ, SSC आज के लिए नहीं पूछता है, ठीक है? UPSC में डेफिनेटली वो सब चीजें पूछी जाती है, बट SSC जो है जनरली मारकाट वाले सवाल थोड़े ज्यादा पूछता है, किसने किसे मारा, कौन क्या कब कैसे हुआ, यहाँ से सवाल आते हैं बट बहुत ही बेसिक लेवल के सवाल आते हैं, ठीक है? तो अगर थोड़ा कम भी समझ आएगा इट इज ओके। चलो दोस्तों अब शुरू करते हैं। अगर आप अपने नोट्स साथ साथ बना रहे हैं तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल सकते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है? एंशियंट हिस्ट्री। अब एंशियंट हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई है किसी को नहीं पता, क्योंकि ये समय जो है कंटिन्यूअस एक पीरियड है, यानी ये खत्म कहाँ पे हुई वो हमें पता है, भाई आज
इस समय प्रेजेंट आ गया है, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ हमें क्या पता। जो पहला इंसान बना होगा या जो पहले लोग हुआ करते होंगे उस बारे में किसी को नहीं पता, ये राज उन्हीं के साथ चला गया। तो हिस्ट्री के अंदर भी एक ऐसा पीरियड है जिससे पहले का अपने को कुछ नहीं पता, एक ऐसा पीरियड है जिससे पहले का अपने को कुछ भी नहीं पता। वो तो पता ही नहीं, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं क्योंकि किसी को पता ही नहीं। अब होता क्या है, थोड़ा समझने की आप कोशिश करिएगा। हिस्ट्री को अगर मैं तोड़ता हूँ तो मैं कुछ हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। वो है एक प्री हिस्ट्री, एक हिस्ट्री और एक है हिस्टोरिकल पीरियड। अब एक बात बताओ, अगर किसी कागज पे कोई लिख कर नहीं गया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, ये एक राजा था, तो हमें कैसे पता है राजा था? क्या हम बता सकते हैं उस समय इंसान हुआ करते थे? जी हाँ, कैसे बता सकते हैं? चीज होती है जीवाश्म यानी फॉसिल्स। हम फॉसिल से बता सकते हैं, भले ही कोई लिख के ना गया हो लेकिन उसकी अस्थियां जो हैं, उसकी जो हड्डियां हैं वो बच गई होंगी। मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, शुरू का आधा एक घंटा बड़ा मुश्किल होने वाला है, एक्स्ट्रा फोकस की रिक्वायरमेंट होगी विद द अंडरस्टैंडिंग कि ये डेटा स्कैटर्ड है, तो हो सकता है कहीं पर फिलिंग द ब्लैंक्स आपके दिमाग में बच जाए, इट इज ओके। फॉसिल्स हमें पता है, जैसे डायनासोर थे, हम मानते हैं ना डायनासोर हुआ करते थे, अपने को कैसे पता? डायनो ने हमें फोन तो नहीं करा, अपने को इसलिए पता है क्योंकि उनकी जो हड्डियां हैं, जो उनकी फॉसिल्स हैं वो बच गई हैं। हमने देखा कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा सा जीव है, हमने कहा डायनासोर है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, यानी एक समय है, सबसे पुरानी इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ फॉसिल्स से मिलेगी, सिर्फ फॉसिल्स से। जो थोड़ी सी कंपेरेटिवली नई इंफॉर्मेशन है वो फॉसिल्स से तो मिलेगी, और साथ में कुछ सोर्सेज और होंगे, वो पत्थर पे लिखी हुई चीज़ें, पत्थर पे बनी हुई पेंटिंग्स, या फिर कुछ पत्थर को हल्का हल्का काटा गया है किसी शेप में, छोटे छोटे टूल्स बनाए गए हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें बाद में मिलेगी, ठीक है। यस नीरज, कार्बन डेटिंग से ही फॉसिल की एज निकाली जाती है, बट वो केमिस्ट्री एसोसिएटेड है तो यहाँ नहीं बता रहा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बेस आपके दिमाग की तरफ। हम भारत की या इन जनरल हिस्ट्री को तीन हिस्सों में तोड़ते हैं, वो तीन हिस्से हैं एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। आज मैं बहुत सारी बातें 10-10 बार बोलूंगा, इतनी बार बोलूंगा कि आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है जी। अब माना जाता है कि ह्यूमंस से पहले जो है प्रोटो ह्यूमंस हुआ करते थे, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं ना मानव से पहले आदि मानव था। कई सारी कहानियां उड़ जाती हैं अचानक कि अरे आदि मानव आ गया है, लोग मर रहे हैं, लोग छत से गिर रहे हैं। ये दिल्ली में मैं जब रहा करता था तो बचपन में कहानियां बड़ी सुनी थी कि कोई आदि मानव है, ऐसा वैसा जादूगर वाली कोई कहानियां हुआ करती थी, सब फर्जी। तो मानव से पहले आदि मानव, यानी वो मानव नहीं है, वो अभी आधा मानव है, यानी उसका जो दिमाग है अभी पूरे तरीके ह्यूमन नहीं हुआ है, पूरे तरीके जो है डेवलप नहीं हुआ है। उसके बाद हम आए, ठीक है। हमें तो होमो सेपियंस बोला जाता है, यानी होमो सेपियंस से पहले जो आए, होमो सेपियंस तो ह्यूमंस हो गए ना, आप और हम, इनसे पहले आए प्रोटो ह्यूमंस, क्योंकि वो स्पीशीज अलग थी, उनका दिमाग इतना तेज नहीं था जितना हमारा है। इन्हें होमो इरेक्टस कहा जाता था। जी हाँ, लिखिए आप इसे, जी हाँ इसे आप नोट करिए। ये छोटा सा फैक्ट आपको बताया गया है। कर्सर हटा दो, ठीक है। अब दोस्तों, जनरली हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को तीन हिस्सों में तोड़ देते हैं। जो एंशियंट हिस्ट्री है या हिस्ट्री है उसे तीन हिस्सों में तोड़ते हैं। एक होती है प्री हिस्ट्री, यानी ये प्री हिस्टोरिक पीरियड वो है जिसके बारे में कोई भी कुछ लिख कर नहीं गया, लेकिन फिर भी हमें पता है ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें हमें जो फॉसिल्स हैं उससे इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि इसके अंदर आता है पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। सबसे बोरिंग बातें हैं ये हिस्ट्री के अंदर, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। अब पैलियोलिथिक है सबसे पुराना, ठीक है, यानी ये ना जाने कब से शुरू हो रहा है। माना जाएगा जी ये 2 मिलियन ईयर्स, 2 मिलियन BC से लेकर, कोई कहता है 8,000, कोई कहता है 10,000, इट हार्डली मैटर्स, 10,000 BC पैलियोलिथिक। अब जो कहता है 10,000, उसके हिसाब से ये 10,000 से शुरू होगा, 10,000 BC से लेकर। अगेन कोई कहता है 8,000, कोई कहता है कुछ हजार, इतना खास फर्क नहीं पड़ता, मैं 8,000 लिख देता। लिथो मीन्स मिट्टी, जमीन, लिथोस्फेयर, थल, ठीक है, यहाँ पर उसका मतलब सिंपल है स्टोन, पत्थर। और नियोलिथिक जो है ये माना जाता है कि 8,000 से 2,000 के आसपास था।
कोई कहता है 4,000, कोई कहता है 2,000, इट हार्डली मैटर्स। अगर आपके पिछले नोट्स में ये थोड़ा आगे पीछे लिखा है, हो सकता है पिछले नोट्स में आपके 2 मिलियन से 8,000, 8,000 से 4,000, 4,000 से 2,500, इट हार्डली मैटर्स, मैं वो भी इसके नीचे लिखूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अब जो दूसरा बंदा, जैसे कि मैं ही पिछले कोर्स में या मैं ही अगले कोर्स में इसे कहूँ कि भाई 2 मिलियन BC से शुरू है और ये 8,000 BC तक जाता है, तो ये 8,000 से शुरू करूंगा और ये 4,000 तक लेके जाऊंगा। आपको ना थोड़ा ओपन माइंडेड होकर समझना होगा, ऐसा नहीं है कि कोई दिन आया न्यू ईयर, अरे वाह हैप्पी न्यू ईयर, सारे पुराने टूल्स को फेंक दो, नए टूल्स का इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं करा होगा उन लोगों ने, ये तो बस हम पढ़ रहे हैं चीजों को। तो ये कंटिन्यूस पीरियड है, ब्रेक्स बस हम अपनी कंफर्ट के लिए बना रहे हैं, यहाँ 4,000 BC से 2,500 BC तक रहा होगा। अब एक्चुअली पता है फर्क क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू अ बिट मोर। जो इंसान 4,000 BC पे नियोलिथिक को रोक देगा ना, वो कहेगा जी ये 3 हिस्सों में नहीं है, वो कहेगा कि 4,000 BC से लेकर ना 1500 BC तक एक और समय है जिसे वो नाम देगा कैल्कोलिथिक, ये चालकोलिथिक जैसे भी आप इसे बोलना चाहे, वो एक अलग नाम दे देगा। क्यों? जैसे हमने किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा, भाई कोई 5 किंगडम बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है, है ना, ऐसे ही हमारे ब्रेन के जब हम पार्ट्स पढ़ते हैं, कोई कहता है इसके 3 हिस्से हैं, कोई कहता है 4 हिस्से हैं, तो ये बताने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो ये 1500 BC तक जाएगा तो वो इसके आगे क्या कहेगा जी, 1500 BC से 200 BC तक आयरन एज हो गई, समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? यही दिव्यांश अभी मैं समझाऊंगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज की क्लास इस पर्टिकुलर सेक्शन की सबसे मुश्किल क्लास है, ध्यान से सुनते रहिए। अभी क्लास तब एंड होगी जब सबको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। बदले में मुझे ये नहीं चाहिए कि आप रो रहे हैं, धो रहे हैं, ये सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मुझे बताइए मैं एक हाथ से लिखूं या फिर आपके आंसू पोंछूं? आंसू भी तो आपकी दोनों आंखों में आ रहे हैं, तो तौलिए से ही पोंछने पड़ेंगे, फिर मैं लिखूंगा कैसे? तो एक काम करते हैं, पहले समझ लेते हैं, पिछली स्लाइड दिखा दी जाएगी, पहले सुन लीजिए बात को, पहले समझा देता हूं, ठीक है जी। अगर मैं वो इंसान हूं जो काले रंग से लिख रहा है, तो मैं हिस्ट्री को कैसे तोड़ूंगा, समझने की कोशिश करूँ, जस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं कहूंगा जी ना जाने कब से, हमें नहीं पता कब से, वहां से लेकर यहां तक, ठीक है जी, हाँ वो 200 लिखा है वैसे, 10,000 BC तक का जो समय है ये है पैलियोलिथिक, और 10,000 BC से आगे का जो समय है वो है मीजोलिथिक, कहां तक, 8,000 BC तक। और मैं कहूंगा जी इसके बाद वाला समय है नियोलिथिक, नियो मतलब नया, मीजो मतलब मिडल वाला, पी से पुराना, ठीक है जी, आपस में बातें बिल्कुल भी ना करें, नियोलिथिक, ठीक है जी। ये 4,000 BC तक जाएगा, और 4,000 के बाद यहाँ पे कैल्कोलिथिक शुरू हो जाएगा, चालकोलिथिक शुरू हो जाएगा, ये जाएगा करीब 1500 तक, समझ पा रहे हैं, ये 1500 तक जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, 1500 से एक नया पीरियड शुरू होगा जिसे हम आयरन एज के नाम से जानेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ आया आपको? अब एक दूसरा इंसान इसी को अलग तरीके डिवाइड करेगा, वो कहेगा जी ये वाला पोर्शन तो ठीक है, कलर में ब्लैक की जगह कुछ और रखता हूँ, वो कहेगा जी ये वाला पैलियोलिथिक वाला तो ठीक है, मीजोलिथिक जो है ये, आप देखिए ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ये जो आप इस समय कर रहे हैं ना, ये आपकी सब, ये पाप है, ये गलती नहीं पाप है, ये आप आगे आगे भाग रहे हैं, बताइए कमाल करते हैं, मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, उसके लिए मैं आपकी चैट ऑफ कर देता हूँ। जब मैंने आपको कहा है क्लास तब एंड होगी जब आपको हर बात समझ आ जाएगी, फिर भी आपको हर बात में ये पहली बात ही नहीं समझ आ रही तो कैसे काम बनेगा? सुन लीजिए पहले, ठीक है, पैलियोलिथिक ये आ गया 2 मिलियन से 10,000 वाला, उसके बाद यहाँ पर मीजोलिथिक आएगा, उसके बाद यहाँ पे नियोलिथिक आएगा। इस बंदे ने, इस भाई ने कहा कि ये है प्री हिस्ट्री, क्योंकि इस समय में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। एक्चुअली प्री हिस्ट्री जो चलती है वो और आगे तक चलती है, करीब 2500 बीसी तक। हुआ क्या था ना दोस्तों, ये जो कैल्कोलिथिक एज आई थी, इसमें धीरे 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 इन्हें लिखने की कला आ गई थी, इन्हें समझ आ गया था कि कैसे इंस्क्रिप्शन बनाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि अचानक आज कैल्कोलिथिक शुरू हुआ, आज से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, वो लिखना जो शुरू हुआ है वो यहाँ पे हुआ है। तो जो ब्लू वाले भाई ने पूरी बात करी है वो इन्होंने करी है लिखने वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि इससे पहले का लिखा हुआ कुछ भी खास अवेलेबल नहीं है, इसके बाद का लिखा हुआ खास अवेलेबल है, इसलिए ये प्री हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री है।
इसीलिए इसने ब्रेक यहाँ पर लगाया है और इसने कहा कि जो 2500 बीसी है यहाँ से शुरू होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये जाएगी लमसम 1500 बीसी तक, या आप ऊपर से भी मिला सकते हैं कि 1500 बीसी तक वो कैलकुलिथिक एज गई है। उसके बाद 1500 बीसी, एक्चुअली ये भी ना 1500 बीसी नहीं है, ये भी 200-250 साल का, मैं चीटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, बट सही समय आने पे वो बताऊंगा। उसके बाद 1500 बीसी से कहानी जो है आगे जाएगी करीब 600 बीसी तक, ये होगा आपका वैदिक सिविलाइजेशन। अब कमाल की बात है, मैंने आपको कहा नहीं लिखना है फिर भी आप लिख रहे हैं, बताइए दूसरा पाप कर दिया आपने, है ना? ऐसा नहीं करना, पहले चीज़ों को समझ लीजिए। अभी जो वैदिक एज है ना, इसके भी कई हिस्से होंगे, इसमें ऋग वैदिक अलग, लेटर वैदिक अलग, वो सब बातें अभी काम की नहीं है। क्या आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिला? ये डिवीजन का जो तरीका है ये है, कौन सा मेटल है, मेटल है भी नहीं है, या फिर स्टोन है, ये डिवाइड कर रहा है, स्टोन है या फिर नॉन स्टोन है, ये डिवाइड कर रहा है कि लिखा हुआ कुछ है या फिर सिर्फ फॉसिल है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इससे पहले लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। अब आपकी चैट मैंने खोल दी है, अब आप कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं, ये चालकोलिथिक या कैलकोलिथिक वर्ड को छोड़कर। वो सही समय आने पे लिखवा दूंगा। जी हाँ, होगा ओवरलैप होंगी ना प्रगति। एजेस का मतलब सिर्फ ये है कि वो किस चीज का इस्तेमाल करते थे, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो आपको आगे चल के बताऊंगा, जब इंसान सिविलाइज हो गया, वो एक सोसाइटी के रूप में रहना सीख गया, है ना? तो ओवरलैप बिल्कुल होंगी ना, ठीक है? अब आपको क्या नोट करना है, मैं आपके काम की बात आपको बता देता हूँ। आप क्या करें, आपने अगर ये नोट कर लिया है वेल एंड गुड है, अगर आपने ये नोट नहीं करा है तो आप हिस्ट्री लिखिए, प्री हिस्ट्री लिखिए, और चाहे तो इसको एग्जैक्टली ऐसे ही आप बना सकते हैं, दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप बना लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां से कोई खास सवाल नहीं बनने हैं, मैं आपको साफ बताऊं, जो बनने हैं मैं भी आगे लिखवा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपने बना लिया ठीक है। क्या यहां तक आपकी तबीयत ठीक है? आप आराम से नोट करिए, कोई बात नहीं, आराम से नोट करिए, कोई जल्दी नहीं। रेड वाला स्टोन के बारे में बताता है, यस बिल्कुल सही नहीं। हाँ, अभी ना और डिटेल दूंगा, आप चिंता मत करो। पर्पल पेन से सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू लिखा है, अगर पर्पल वाले को इग्नोर करके आप इसे यहां से भी समझ सकते हैं। नितेश अभी तो आप देखे जाओ, अभी तबीयत खराब है, भी हालत भी खराब हो गई, अभी तो शुरुआत है ये। अभी सब लिखवा दूंगा, आराम, चिंता मत करो। चलो अब मैं आपके लिए वो लिखवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप लिखिए वैल्यू, लिखो शुभराज, पहले मैं अपना डेटा पूरा करा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है पेपर में, ठीक है? फेयर एनफ, वैल्यू लिखिए, उसके बाद भी कुछ बच गया तो और पढ़ा देंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। पैलियोलिथिक में क्या क्या हुआ? सबसे पहले फायर का इन्वेंशन, ठीक है? दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रिच के एग पाए गए, आप समझ पा रहे हैं ना? पैलियोलिथिक पीरियड के महत्वपूर्ण इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स। देखो बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो उसी तरीके पढ़ाया जाएगा, छठी की एनसीआरटी में भी ये डेटा है। अब मैं सीबीएसई के छठी क्लास के बच्चे की तरह आपको नहीं पढ़ा सकता ना, मुझे आपके एग्जाम में क्वेश्चन टिक कराने हैं, इसलिए फैक्ट्स बता रहा हूँ। ये फायर वाला सवाल पेपर का सवाल है और ऑस्ट्रिच एग वाला सवाल भी पेपर का सवाल है, ठीक है? टूल्स वर मेड ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन आप जानते ही हैं, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, नोट कीजिए। जनरली यस दिशा, अब कुछ साइट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको ठीक लग रही थी, अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप जा सकते हैं, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप क्लास में रुक सकते हैं। इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स, इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स, इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स, इसका मतलब ये है जिन इलाकों से हमें पता लगा है कि पाषाण युग हुआ करता था, यानी ये
पैलियोलिथिक पीरियड हुआ करता था, कुछ प्रूफ मिले हैं, वो इलाके कौन कौन से हैं, हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। सबसे पहले सोहन वैली या सोन वैली पंजाब में है, ठीक है। भीम बेटका, सुने होंगे ये सारे नाम। बेलन वैली यूपी में है। इसके अलावा नर्मदा वैली, तुंगभद्र वैली, ये है कर्नाटक, ये है मेनली एमपी। सोहन सोन एक ही है, दोनों बिल्कुल सेम है। कुर्नूल केव्स, कलाद की बेसिन, इसमें भी नर्मदा वाले इलाके में एक जगह है हथनोरा करके, वो फेमस है, यानी इसके ब्रैकेट में लिख लेना HATHNORA। आज की क्लास विदाउट एनी डाउट बड़ी बढ़िया लेवल की होने वाली है। उसके अलावा भीम बेट का एच थोड़ा सा रूम करके लिखता हूँ, बस ये तो एमपी में है, ये भी एमपी में है, आप इसे नोट करिए। भोपाल में कुछ गुफाएं हैं जहां पर पैलियोलिथिक ओरिजिन्स की चीजें मिली है। ये कलादगी जो जगह है ये कर्नाटक में आपको देखने को मिलती है, बागलकोट नाम की एक जगह है। लिख देता हूं मैं, सारा लिख देता हूं। बेलन लिखा है ना यूपी में है, कुछ बचा है कि ये यार? अच्छा ये है आंध्र प्रदेश। अचानक ही जज्बात बदल गए ना पिछले पेज से इस पेज पे, ऐसे ही होता है। ठीक है, ये पंजाब में है, ये थोड़ा यूपी काफी बड़ा है तो हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। ये गोरखपुर वाला इलाका समझते हैं, गोरखपुर, नियर गोरखपुर है, एग्जैक्ट गोरखपुर तो नहीं है, गोरखपुर HATHNORA ये जगह है। KA means कर्नाटक, मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूं तो एकदम ही अलग ही माहौल हो गया, ऐसे ही होता है इस पहली क्लास में। ठीक है जी, राइट वाला पोर्शन लिखिए। मंथली बेटा पूरे तरीके आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। काम कर लेते हैं मंथली, हम दो तीन क्लासेस लगा के देखते हैं, ठीक है। टोटल एंशिएंट में आपको करीब 10 से 15 घंटे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें से एक काम करो, आप चाहो लाइव चाहो रिकॉर्डेड में पहली दो क्लासेस देख लो, अगर आपको लगता है डेटा ऐड करने को है आपके नोट्स में तो आप सारी लगा लो, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको अधिकतर चीज़ें ऑलरेडी आती तो उस केस में आप स्किप कर लो। यस कशिश, ठीक है जी, मैंने आपको पैलियोलिथिक की स्लाइड बनवा दी है, ऐसे ही मैं मीजोलिथिक की स्लाइड बनवाऊंगा। भोपाल लिखा है, जी हाँ एमपी वाला भोपाल है वो, मीजोलिथिक एज या पीरियड ये है ना ऋतिक बेटा, जो भी दक्कन वाले इलाके हैं, ये तुंगभद्र वाला इलाका है, कुर्नूल वाला इलाका है, कलादगी वाला इलाका है, सारे उसी में है। मीजोलिथिक पीरियड सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर हुआ था मेजर क्लाइमेटिक चेंज। डाउट्स प्लीज क्वेश्चन टाइम में भेजिए।
ठीक है, ये मीजोलिथिक एक्चुअली कुछ नहीं है, नियो और पैलियो के बीच वाला फेज है, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, उसे इस बार मैंने डिवाइड नहीं करा बिकॉज मुझे लगता है दिव्यांश वो इतना रेलिवेंस नहीं रखता, इसलिए मैंने सबकी साइट्स को मर्ज करके एक साथ लिखवा दिया, ठीक है। एक्चुअली मीजो का मतलब मिडल होता है, बीच वाला हिस्सा है जो पैलियो को नियो से जोड़ रहा है, वो मीजो के अंदर आप काउंट कर सकते हैं। और इसमें पाए गए प्रूफ ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कैटल रियली, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स समझते हैं ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं पशुओं को पालते हैं अपने साथ। पहले ऐसा हमेशा से नहीं था, पहले हमें लगता था कि वो अलग है हम अलग है, फिर धीरे धीरे हमें समझ आया कि अगर हम पशु को पालते हैं तो उसमें हमारा फायदा है, हमें उससे दूध मिल सकता है, उससे मीट मिल सकता है, हमें सेफ्टी में उससे मदद हो सकती है, धीरे धीरे हमें वो चीज़ें समझ में आई, ठीक है। और एक डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स से एसोसिएटेड जो साइट्स हैं, साइट्स दैट आर रिलेटेड टू डोमेस्टिकेशन आदमगढ़ एमपी में है और एक राजस्थान में बागौर नाम की जगह है। इसके अलावा यहाँ पे माइक्रोलिथ्स पाए गए हैं, माइक्रोलिथ्स क्या है आपको अगले पेज पे समझाऊंगा, माइक्रोलिथ्स फाउंड, पालने की क्या जरूरत। सैंकफ्रेड जब बिना पाले आपको मीट खाना होगा तो आपको शिकार पे जाना पड़ेगा, जंगल में जाएंगे, शेर पकड़ के लाएंगे, डरेंगे तो नहीं, नहीं सुना होगा बचपन में आपने, अगर आप अपने घर में ही मुर्गे पाल लेंगे तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, इजी रहेगा आपके लिए। नहीं एक्चुअली दिस इज द फैक्ट कि आपको जाना ना पड़े शिकार पे, हर समय आपके पास जो है लाइव फूड अवेलेबल हो, इसलिए आप पालते थे चीज़ों को। माइक्रोलिथ्स अभी समझाऊंगा भी मैंने, माइक्रोलिथ्स फाउंड एट ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी दोस्तों साउथ कर्नाटक वाला हिस्सा है, कावेरी नदी यहीं से निकलती है, ब्रह्मगिरी ये मैसूर, मैसूर के पास है, नॉट एग्जैक्टली मैसूर, कर्नाटक है ये, कर्नाटक केरल बॉर्डर के काफ़ी ज़्यादा पास है, नहीं डी है, डी जे नहीं है हिमाचल, इसके अलावा गुजरात के कुछ इलाकों में। अभी माइक्रोलिथ क्या है, माइक्रो का मतलब है छोटा, लिथ का मतलब है पत्थर, यानी छोटे पत्थर। अभी छोटे पत्थर कोई सेंस हुआ इस बात का? देखिए बड़े पत्थरों से शिकार करना बड़ा मुश्किल होता था, आप शिकार कर भी लेते थे तो उसे काट के पकाना तो चलो शुरू हो गया था, लेकिन उसे काटना बड़ा मुश्किल होता था, इसलिए छोटे छोटे पत्थर, पैने पत्थर बनाए जाते थे, जिससे कि आप एक तरीके के समझिए जैसे आप चाकू होते हैं, उसी का बेसिक वर्जन की हाँ नुकीले पत्थर है तो आप किसी की जान भी आराम से ले सकते हैं और आप जो है वो उसकी कटिंग वगैरह नीट एंड टाइडी एकदम रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो मतलब स्मॉल, लिथ मतलब स्टोन, आई होप आप बात को समझ गए, ठीक है। एक और छोटा सा फैक्ट इसी में लिख लेना, फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, समझ पा रहे हैं, ये हमें लगता है कि जो ह्यूमन स्केलेटन है सबसे पहला स्केलेटन जो हमारी नजर में आया वो है सराई नहार या नहाड़, ये है प्रतापगढ़। हम मेनली जो बात कर रहे हैं इंडिया, यानी जो पहले वाला इंडिया था जिसे जिसमें पाकिस्तान वगैरह सब शामिल होता था, उसकी बात कर रहे हैं, यानी जब जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू, तो माना जाता है कि तीन चार सभ्यताएं हैं पूरी दुनिया में जो ऑलमोस्ट एक साथ आगे बढ़ी हैं, तो हम उसमें जो इंडिया वाली है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं ठीक हूँ भाई, बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं। जगह का नाम है श्याम, हिमांशु आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो और ये एक ही है, चलें आगे। अब एक फैक्ट ध्यान रखना, जो पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक पीरियड है क्या ये ओवरलैपिंग होगा, यानी जो पैलियोलिथिक का आखिरी समय होगा एक्चुअली वही मीजोलिथिक का नया समय भी होगा। इस समय लोग पेंटिंग करना शुरू हो गए थे, यानी इस समय से मिलते हैं हमें एविडेंस ऑफ पेंटिंग्स, और इसका क्लासिक एग्जांपल है भीमबेटका, ये कई बार पूछ चुका है इसलिए मैं स्पेसिफिकली एक सेंटेंस आपको लिखवा रहा हूँ, भीमबेटका एमपी, एसएससी में एंशिएंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एनकेबीसी मतलब ये कहाँ लिखा है? होना चाहिए दिशा, पेंटिंग दोनों में आएगा। ऐसे कहते हैं लेटर पैलियोलिथिक या अर्ली मीजोलिथिक, समझ गए नीरज? चलो ठीक, आगे चलते हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ नियोलिथिक के बारे में। विश्वास मानिए बाकी चैप्टर्स आसान है, ये पहला चैप्टर ही थोड़ा ज्यादा पूरा है, तो इसमें हौसला रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नियोलिथिक पीरियड, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका है। सैंक्रोइड, आपको एक बात समझनी होगी कि हर चीज का सटीक आंसर दुनिया में अवेलेबल नहीं है, और ये आपको हर कोई टीचर नहीं कहेगा। मैं पुराना टीचर हूँ और मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल साफ कहता हूँ, हर चीज़ की एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट आंसर अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर ऐसा कोई सवाल आएगा तो उसकी फ्रेमिंग कुछ उस तरीके की होगी कि आप आंसर उसका दे सकें, क्योंकि ऐसे सटीक इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि आज ये था कल ये हुआ, ये इट इज़ अ फ्लो, ये कंटिन्यूस पीरियड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं चाहूँ तो मैं आपको मीजोलिथिक लिखवा दूँ, मैं तो आपको खुद समझा रहा हूँ ये दो दो गोले बना के, वेन डायग्राम बना के, बिकॉज दिस इज द रियलिटी। नियोलिथिक पीरियड, एग्रीकल्चर स्टार्टेड। इससे पहले हम क्या खाते थे फिर? अरे वही जो पाले थे, याद नहीं? हाँ, यानी हम मीट खाया करते थे, लेकिन क्या सिर्फ मीट खाया करते थे? नो, इससे पहले हो सकता है जैसे मिल्क है या फिर और चीजें जो हमें मिल रही हैं वो हम खाते थे, है ना? तो लेकिन प्रॉपर एग्रीकल्चर हम अब करने लगे हैं, किसान बन चुके हैं, फ्रूट्स वगैरह भी हो सकता है हम खाते हो, बट चांसेस कम ही है। ये भी मैं आपको इसकी भी कुछ साइट्स जो है यहाँ पर लिखवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स। पहले आप एक काम करते हैं, कुछ साइट्स लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स, या पहले कुछ और फैक्ट्स लिख पाता हूँ। राइस कल्टीवेशन, मतलब हमें पता लगा कि चावल जो है कल्टीवेट करे जाते थे, राइस कल्टीवेशन से एसोसिएटेड प्लेस है। कोल्दी हवा करके है ये, एक्चुअली अल्लाहाबाद प्रयागराज लिख दूँ और यहाँ पूरा मान जाए, तैयार ही है पूरा मानने को तो आप वैसे भी जीवन में। प्रयागराज यूपी, ठीक है समझ पा रहे हैं। इसके बाद बुरजा होम करके एक जगह है जम्मू कश्मीर में, जहां से पता लगा कि डॉग्स वर बरीड विद देयर ओनर्स। देखिए ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और एक कॉन्सेप्ट आज के दिन भी वैलिड है कि देर इज एन आफ्टर लाइफ। हम सब जानते हैं, आप किसी भी धर्म को माने, अधिकतर धर्म ये कहते हैं कि पाप पुण्य है, स्वर्ग है, नरक है, हैं सारी बातें हम लोग करते हैं। वो इसलिए करी जाती है प्राइमरली कि अगर वो नहीं होगा, हमें लगेगा दिस इज द एंड, तो हम किसी भी एक्सट्रीम लेवल तक चले जाएंगे और दुनिया में जो है स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। यानी किसी को पता है कि अब मैं अपने जीवन के आखिरी 5-7 साल मेरे पास है, तो वो बुरे से बुरा काम करेगा और उस चक्कर में ये जो समाज है ये समाज नहीं बचेगा, ये खराब हो जाएगा। इसलिए उस इंसान को कहा जाता है भाई इसके बाद भी कुछ है, तो अगर यहाँ गलत करेगा तो वहां पर तेरे साथ जो है गलत होगा। इसलिए वो इंसान जो है सही रहता है, जो कि मुझे लगता है सही लॉजिक है। अगर किसी को पूरी बात समझ नहीं आती तो उसे ऐसी अधूरी बात बता दो तो वो चीज़ों को समझेगा। तो अब आफ्टर लाइफ है तो वहां पर भी समान की जरूरत पड़ेगी, जैसे आज भी तो होता है हमारे धर्म में, जब किसी की डेथ होती है तो उसके बाद एक प्रॉपर एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर आफ्टर लाइफ से तो एसोसिएटेड है। भले ही हम कहते हैं कि वो चक्र खत्म हो जाना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, दिस साइकिल ऑफ लाइफ शुड एंड विद मोक्ष, बट फिर भी हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, उस तरफ ज़्यादा तो नहीं जाऊँगा। तो आफ्टर लाइफ है तो वहाँ पर सामान की भी जरूरत पड़ेगी। अब डॉग जो है इंसान के पालतुओं में सबसे करीब आता है, आप कभी भी देखो, हम स्पेशली अगर आप देखेंगे आज के ज़माने में तो मतलब ऑलमोस्ट आई वुड से 30% लोगों के पास डॉग होगा ही होगा, तो वो एक इंसान से करीबी रिश्ता रखता है, पालतू है, हमेशा साथ देता है, दिस दैट, सुनी होंगी आपने सारी बातें। तो इसलिए जब ओनर की मृत्यु होती थी तो फिर समझ रहे हो ना, डॉग तो चाहिए ओनर को बाद में भी आफ्टर लाइफ में, तो फिर डॉग को भी मरना पड़ेगा। यानी यहाँ पर यह है कि ओनर गया तो डॉग गया, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, सुनने में अजीब लग रहा है बट यही कुछ कॉन्सेप्ट हुआ करता था। ठीक है जी, बात को समझ पा रहे हैं, आगे चलते हैं। यानी ज़्यादा मोहब्बत भी इंसान से जो है गलत बात है, इसका क्लासिक प्रूफ है। एग्रीकल्चर वगैरह जो है स्टार्ट हो गया था और इसमें मेनली जो है बार्ले वगैरह का एग्रीकल्चर, बार्ले वीट कॉटन इनका एग्रीकल्चर जो है स्टार्ट हो गया था। बार्ले मीन्स जौ, वीट मीन्स गेहूँ और कॉटन मीन्स कपास।
ठीक है जी, नोट कर रहे हैं ना बातों को मेरी, समझ पा रहे हैं ना? अब मैं कुछ साइट्स आपको लिखवा देता हूँ। दिव्यांश, आई हैव नो आइडिया, और मैं अगर मुझसे एक लाइन में पूछोगे आंसर इज नो। चलिए आगे, अब इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स, मतलब डॉग की अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? वो तुम्हारे लिए ही रोए, तुम्हारे लिए ही मरे, है ना? वो अपना ना जिए, उसके पर्सनल स्ट्रेस कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स, ठीक है, एक एक करके लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। इंपॉर्टेंट नियोलिथिक, सबसे पहले कश्मीर, गुफकान, कश्मीर, ब्रह्मगिरी। क्या गजब लोग हो आप लोग भी, सब कोई ना कोई किताब नोट्स खोल के बैठे हैं इधर उधर के, बस भरे जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में। अरे भैया पढ़ लो पढ़ लो, पहले ये पढ़ लो फिर वो भी पढ़ लेना, सब पढ़ लेना, मैं मना नहीं कर रहा, सारी किताबें पढ़ लो, बिल्कुल पहले ये पढ़ लो। लेकिन चिरांद, चिरंद, बिहार, कहाँ पर युवराज? ब्रह्मगिरी, हाँ ब्रह्मगिरी होगा, ब्रह्मगिरी। दाव जली, दाव जली, हार्डिंग या हेडिंग, ये असम त्रिपुरा वाले इलाके में है, बॉर्डर पे है, असम प्लस त्रिपुरा। अल्लूर, आंध्र प्रदेश, इसकी और भी कई सारे हैं, अय्यम्पल्ली, आंध्र प्रदेश, मेरगढ़, पाकिस्तान, अभी देख लेता हूँ किसी को कुछ रह गया तो लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। और उतनो तो मेरे हिसाब से काफी है, ठीक है? क्या बच गया है? ठीक है, ठीक है, और बिल्कुल सही तरुण, बट कर्नाटक का ना तरुण के आर नहीं है, के ए है, जस्ट इन केस, UTNOOR। अब दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाह, गुफ कराल लिखा है, GUFKRAL। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसे समझना, अगर आप 10 किताबें पढ़ेंगे, 10 की 10 किताबों में डेटा थोड़ा सा अलग होगा, कुछ कॉमन होगा कुछ अलग होगा, है ना? तो मान लेते हैं आपके पास कोई ऐसी किताब है या मल्टीपल किताबें हैं जिसमें इसको छोड़ के 50,000 नाम और दे रखे, आपका वो पढ़ने का मन है वो भी पढ़ लो, लेकिन पहले ये 10 पढ़ लो। यानी मैं चाहता हूँ कि पहले जो कंटेंट मैं करा रहा हूँ वो पढ़ लो, इसके साथ जो चाहे करो, मैं आपको नहीं रोक रहा, पूरे देश में जो किताब है, जो नोट्स है, जो जैसा है वो सब कर लो, बट सबसे पहले ये कर लो, ठीक है? पांचवें नंबर पर दाव जली लिखा है, DAOJALIHADING। नहीं दिशा, मेरा ख्याल नहीं, चेक करना चाहे कर सकते हैं, मेरा ख्याल नो। चलें आगे, पय्यम पल्ली, PAYYAMPALLI। क्वेश्चन भेजिएगा आप दिशा मुझे एग्जैक्ट अगली क्लास में। चलें जी आगे,
चलो अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कैल्कोलिथिक पीरियड, कैल्कोजेंस आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, वो होते हैं जो ओर्स बनाते हैं, दिस दैट, बट ये वो वाला कैल्कोजन नहीं है, ये है कॉपर एज। अब क्योंकि कॉपर को टिन में मिला के ब्रॉन्ज बनता है, तो ये ब्रॉन्ज एज का भी एक हिस्सा माना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका है ये बेसिकली नियोलिथिक का एंड है, तो यहाँ पर कॉपर का इस्तेमाल होने लग गया था। क्या बात को समझ पा रहे हैं? जनरली नोन एज स्टोन कॉपर फेस, यह समझ पा रहे हैं क्यों? अगेन वही वाली बात, जैसा कि शायद अभी सैंक्रॉइड ने पूछा था कि भाई एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट जैसा कुछ नहीं है, ये एक फेज है, ट्रांजिशन है। जैसे कि आपके पास नए 2000 के नोट आ गए, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आपने पुराने जो है 50 के नोट यूज करना बंद कर दिए, ओवरलैपिंग चीज है वो। नोट करिए, जमीन से, जी हाँ अभिजीत, जमीन से। अब यहां पर भी कुछ ऐसी साइट्स है जो इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मगिरी। अब ब्रह्मगिरी को लेके भी आपके मन में सवाल आ सकता है कि भाई ये ब्रह्मगिरी कहां पे टिक करेंगे, कहीं पर नहीं कर सकते आप, क्योंकि सब जगह है। नवदा टोली, नर्मदा रीजन, चिरांद, गंगा, ये धीरे धीरे जो है अब ग्रामीण बन चुके हैं, कृषि प्रधान बनते जा रहे हैं। चलें जी आगे, क्योंकि दोस्तों ये 4000 BC से करीब करीब 1500 BC तक जाता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इससे ओवरलैप करती है। यस सैंक्रॉइड, करा आपने नोट, तो मैं आगे चलूं। यहां पर पेंटेड पॉटरी वाज वेरी फेमस, वाइड लाइन पॉट्स। आपने कभी मटका वगैरह देखा है, तो एक मटका तो बिल्कुल प्लेन मटका होता है, लाल मिट्टी, लाल रंग की मिट्टी का होता है, थोड़ा सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। एक मटका ऐसा आता है जिसमें हल्का पतले से ब्रश से उस पर एक लाइन बनाई जाती है। वो जो डिज़ाइन है वो आज का नहीं है, करीब 4000 साल पुराना डिज़ाइन है, जो आज भी कॉपी पेस्ट होता है और आज भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो स्पेशली वाइट लाइन पॉट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे उस ज़माने में। चले जी आगे, अब साथ में ये भी नोट कर सकते हैं, रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। चले दोस्तों आगे, आयरन एज, क्योंकि आयरन एज माना जाता है 200 बीसी तक चली, 1500 बीसी से 200 बीसी तक, तो ये वैदिक सिविलाइजेशन की जगह, ये सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह वैदिक सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड है, रिलेटेड टू वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन और बुद्धिज्म और जैनिज्म आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। शुभराज नो, कैल्कोलिथिक पहले शुरू हुआ है, उसके काफी समय के बाद आईबीसी आया है, तो आईबीसी अलग से मैं आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा। वैदिक सिविलाइजेशन ही जो है ये है अराइवल ऑफ आर्यंस, ये आर्यंस क्या है, क्या किसका कहना है, ये कहाँ से आए हैं, ये सारी बातें जो है आपको आगे चल के पढ़ाई जाएंगी। गुड इवनिंग, ठीक है। जैनिज्म भी इसी समय होगा, बुद्धिज्म भी इसी समय होगा, महाजनपद भी इसी समय बनेंगे, महाजनपद भी इसी समय बनेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं ना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये सब इसी समय होगा। मगध जो डेवलप होगा वो इसी समय होगा, और अलेक्जेंडर भाई भी जो है इसी समय आएंगे। मैं थोड़ा सा ये सब इसलिए लिख रहा हूँ, अलेक्जेंडर
क्योंकि ये 4th century BC से जुड़ा है, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट भी जो है इसी पीरियड के अंदर कवर होता है। समझ गए जी आप? अगर आप समझ गए हैं तो मुबारक हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे पेचीदा पोर्शन है वो आपने जो है कवर कर लिया है। यस योगेश, ये अलेक्जेंडर वाली बात तो हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, आप चिंता ना करें। अभी तो देखिए इंट्रोडक्शन है ये, अभी बहुत बेसिक लेवल की बातें मैं कर रहा हूँ, आगे जाके डेटा काफी ज्यादा बढ़ेगा। अराइवल ऑफ आर्यंस, ठीक है, आर्य आर्य पुत्र बोला जाता है ना भारतीयों को, कि आर्यंस आए थे, ऐसा वैसा हुआ था। 200 BC लिखा है, 1500 BC से 200 BC। अब एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ से नई चीज को शुरू कर रहा हूँ। मैंने आपको जो ये पूरी टाइमलाइन है पूरी समझाकर बना के दे दी है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ से बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करता हूँ, फ्रेश माइंड से उसे पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपको चाहिए तो 2 मिनट का ब्रेक दे दें, यानी वो ब्रेक से फायदा दोस्तों क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग शांत हो जाएगा अपना, फ्रेश माइंड से मैं भी आप भी जो है कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है। आप 2 मिनट का ब्रेक लीजिए और उसके बाद मुझे आप जो है मिलिए, ठीक है। एक बार कंफर्म करें, चलिए। आई होप यहाँ तक की बात आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस क्लास का ये एकमात्र टॉपिक है, यानी ये टॉपिक क्योंकि थोड़ा सा लंबा है तो हो सकता है इसे हम अगली क्लास में ही पढ़ें। बचा जो जो है मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ इस पूरे चीज़ को पढ़ाने के बाद। सबसे पहले मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा। जब ये जो पोर्शन है कंप्लीट करूंगा उसके बाद मैं आपको जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे जो मगध वाला पोर्शन है, 16 महाजनपद, वो कहाँ कहाँ पे हैं, हम उसे मैप से देखने की कोशिश करेंगे, उनकी कैपिटल्स पर रट्टे मारेंगे। उसके बाद उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा महाजनपद है जो कि मगध नाम का है, उसे हम पढ़ेंगे। वहीं से एक्सपेंशन होगा और उसके अंदर जो जो रूलर्स आएंगे वो सब हम पढ़ेंगे। गुप्ता साम्राज्य पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और आखिर में इसमें और भी कई सारी चीज़ें वैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ जो बोल रहा हूँ, उनके अलावा एंड में हम हर्षवर्धन जी के बारे में पढ़ेंगे और इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। इन सब के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको आने वाले समय में पढ़ाई जाएंगी, तो वो उसी समय आपको बताऊंगा। जैसे कि चेर है, चोल है, पांडे है, वो सब भी मैं कवर कराऊंगा। साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री होती है वो भी हम कवर करेंगे, बट पहले हम ये वाला पोर्शन तैयार करेंगे, ठीक है। इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि अपना माइंड थोड़ा सा उसी तरीके तैयार कर लें कि आपको थोड़ा सा पता हो कि क्या क्या इस कोर्स में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं IVC, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी को हम बोलते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि हरप्पा यानी हड़प्पा जो है ये पहला शहर था जो खोजा गया था, और उसी के बाद हमें पता लगा था कि एक शहर नहीं है, ऐसे बहुत सारे शहर है, जिसे मिलाकर हमने बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज इस इलाके से इंडस यानी सिंधु नदी बहा करती थी। अब आपने बहुत बार सुना होगा भारत के बारे में, जिस देश में हम रहते हैं सबसे महान देश है वो दुनिया का, हम सबको ये मानना चाहिए क्योंकि ऐसा है भी। उस देश का ओरिजिन क्या है, यानी हम कहते हैं भारत ऐसा था, पहले भारत ऐसा था, फिर भारत ऐसा था, बट हम कैसे बताएं कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से है। भाई ये जो लैंड है ये तो हजारों लाखों साल से है, ये तो करोड़ों साल से है। आपने पढ़ा होगा कि अफ्रीका से अलग होकर तिब्बत की प्लेट से टकराया और हिमालय बने और इस इलाके को हमने एशिया के साथ जोड़ दिया, अब ये जो है एशिया के साथ जुड़ा हुआ है। हम कैसे कहते हैं कि ये भारत है, हाउ डू यू डिफाइन इंडिया। लाइक आज भारत को हम डिफाइन कर सकते हैं, हमारी बाउंड्रीज है, स्टेट्स हैं, ये है वो है, बट हाउ डू यू नो कि ये एक्चुअल भारत था। एनीवन, रिवर वन ऑफ द रीजंस, ठीक है, रिवर के बेसिस पे, ठीक है। भारत की हिस्ट्री आप किसे कहेंगे, जैसे हम कहते हैं हम इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हाउ डू यू नो कि इससे बाहर इंडिया की नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरा सवाल, तो समझ रहे हैं ना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका एजुकेटर, जैसे मैं या कोई भी एजुकेटर आपको कहेगा जी इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री है, उस समय तो बाउंड्री नहीं थी कोई, और सिंगल राजा भी कोई पूरे देश पे राज नहीं कर रहा था। अरब्स ने इंडिया को कॉन्कर करा, अरब्स ने कॉइन करा सिविलाइजेशन। एक्चुअली देखिए इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, मैं फिर से एक बार आप लोग को डिसअपॉइंट करना चाहूंगा, देर इज नो फिक्स आंसर। किसी को नहीं पता कि जो भारत जिसे आज हम बोलते हैं वो भारत क्या है, पहले क्या था। आज हमें पता है बट पहले नहीं पता था, क्योंकि आज का जो पाकिस्तान है वो कल का भारत था, आज का जो बांग्लादेश है वो कल का भारत था, ऐसे बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो आज भारत है, कल के जमाने में वो नेपाल था, आपको पता है ना। कल मैं पिछले वाले कल की बात कर रहा हूँ, आने वाले कल की नहीं। ये जो अपना मंसूरी वाला इलाका है, ये बहुत सारा इलाका नेपाल का था, आपको पता है नेपाल आज जितना है उससे बहुत बड़ा था, और अंग्रेजों ने क्या करा, हमें पीटा, साथ में उन्हें भी पीटा। अब अंग्रेज चले गए, उनका इलाका अंग्रेजों का था तो वो हमारा हो गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। नैनीताल जा सकते हैं, मेरे घर से 2.5-3 घंटे दूर है, बस ऐसे बिना वीजा पासपोर्ट के चले जाता हूँ। तो एक्चुअल भारत की शुरुआत पता नहीं क्या है, लेकिन क्योंकि ये पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है तो हम कह सकते हैं कि भारत की शुरुआत भी यहीं से है।
भाई हमें पता ही नहीं इससे पहले क्या था। तुम कह सकते हैं कि जो इंडिया का ओरिजिन है वो यही है, इसी वजह से इंडस का नाम इंडिया के नाम से मैच करता है। इंदू बोला करते थे इस इलाके को जो इंदू नदी के पार है, सिंधु को इंदू बोला करते थे, और वन ऑफ द थ्योरीज है कि उसी से भारत नाम पड़ गया। ये वन ऑफ द थ्योरीज है, ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, और बड़ी सारी कहानियां इस बात से जुड़ी हुई है। ठीक है जी, हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों? बिकॉज हरप्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। ये भी पेपर बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार। ठीक है, बात को आप समझ पा रहे हैं। अब माना जाता है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये करीब 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 2500 बीसी के आसपास से 1750 बीसी के आसपास तक चली। मैंने फिर से आपको डिसअपॉइंट कर दिया, मैंने आपको शुरू में 1500 बोला, वहां पर एक जो है बात बोली थी कि एक्चुअली ये ना सही नहीं है, आगे चल के इसमें 250 साल में ऊपर नीचे करूंगा, बिकॉज वो समय नहीं था उस बात को करने का। आज वो समय है बात को करने का। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। अचानक इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है। यहाँ पर जो लिख रहा हूँ उसे नोट मत करना, सिर्फ सुन लो। माना जाता है कि यहाँ से ये सिविलाइजेशन शुरू हुई, यहाँ पर ये लोग जी रहे हैं, बढ़िया से पार्टी वार्टी चल रही है, और उसके बाद हमने कहा ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई यहाँ पर। अब ये सिविलाइजेशन जब शुरू हुई होगी तो इससे पहले क्या होगा? सच आंसर ये है कि किसी को नहीं पता। हो सकता है 2500 बीसी की जगह ये 2600 बीसी से चली हो या 2800 बीसी से चली हो, लेकिन इसके बाद अचानक क्या हुआ होगा? हम आगे चल के पढ़ेंगे कि यहाँ से वैदिक सिविलाइजेशन शुरू हुई 1500 बीसी से। इस 250 साल में क्या हुआ? क्या लोग असभ्य हो गए, यानी किसी का एसएससी क्लियर नहीं करा और उस वजह से जो दंगे फसाद होने लग गए, 250 साल तक वही सब चलता रहा, सब पापी बन गए, फिर नई वैकेंसी निकल के आई, फिर जाके लोग फिर से सभ्य हो गए, ऐसा कुछ? सच आंसर वही है कि नहीं पता किसी को। इनकी भी कई सारी थ्योरीज हैं कि ये अचानक ही जो यहाँ के लोग थे ना, गायब हो गए, गायब, समझ रहे हो? कोई कहता है बाढ़ आ गई इस पूरे इलाके में रातों रात, मतलब कितना ही डिसअपॉइंटिंग है ना। पैसे हम जोड़ रहे हैं पूरे जीवन, पीपीएफ से लेकर म्यूचुअल फंड खरीदे हुए, कल जो है मकान लेंगे और परसों जो है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आने वाला है नया ट्रांच, उसमें भी थोड़े से पैसे लगा लेंगे, 10 ग्राम सोना, बाढ़ से मर गए, मतलब कमाल ही हो गया। लेकिन यही वन ऑफ द थ्योरीज है, कई सारी थ्योरीज है, कोई कुछ कहता है। जो सबसे कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो यही है कि बाढ़ आ गई थी। और आपने शायद देखा भी होगा मोहनजोदड़ो जो मूवी है, वो सलमान भाई तो खैर नेक्स्ट लेवल है, वो अरे वो कौन है एक्स्ट्रा अंगूठे वाला, वो ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन ने उसमें एक्ट करा था। अब ऋतिक रोशन उस मूवी के एंड में भी तो ऐसी कोई सीन दिखाया गया भाई, उसने जो है बांध को ही तोड़ दिया, वो इलाका बह गया, दिस दैट, मतलब उन्होंने भी उसी जो हाइपोथेटिकल स्टोरी है उससे एक हाइपोथेटिकल मूवी बनाई है। और इसके बाद माना जाता है कुछ भी नहीं था, नो मैंस लैंड, कोई भी नहीं है रहने वाला। उसके बाद कहीं से लोग आए और वो इस इलाके को देखते हैं और कहते हैं तो बहुत बढ़िया इलाका, यहाँ पर रहते हैं, और वो यहाँ पर रहना शुरू कर गए, समझ पा रहे हैं? और इन्हें कहा गया आर्यंस। ये धीरे धीरे क्या करते हैं, इस इलाके को फैलाते चलते हैं, फैलाते फैलाते बाकी इलाकों पर भी कब्जा करते हैं। और माना जाता है कि ये जो है आज के जो भारतीय हैं वो कल के आर्यंस ही हुआ करते थे। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? और ये यहां से फिर सब कंटिन्यूस चला, इसके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आया। इस थ्योरी में कुछ कमी लगती है, बिकॉज हाउ इज इट पॉसिबल सैलो मोर ऐसे तो कोई सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दिशा, आई एग्री विद यू, बट अगेन व्हाट कैन बी डन, कुछ पता नहीं क्या हुआ। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं पूरे तरीके। अब यहाँ पर आप एक ही चीज़ सीखे कि कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है, एक्चुअली कुछ भी फिक्स नहीं है। हम बस वन ऑफ द थ्योरीज को पढ़ रहे हैं, हम भी वन ऑफ द थ्योरीज को पढ़ रहे हैं, सरकार को भी वन ऑफ द थ्योरीज पता है, एसएससी को भी वही थ्योरी पता है। एसएससी हाइपोथेटिकल स्टोरी में से हाइपोथेटिकल सवाल बनाएगा, हम हाइपोथेटिकल आंसर देंगे, हमें लेकिन उसके बदले रियल मार्क्स मिल जाएंगे और हमारे को रियल नौकरी मिलेगी। क्या ये पूरी कहानी गलत भी हो सकती है? आंसर इज यस, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकती है ना। हमें कुछ समय पहले तक लगता था इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, आज हमें लगता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। एक कुछ समय पहले तक हमें लगता था कि एटम से छोटा कुछ होता ही नहीं, आज हमें पता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है। हमें कुछ समय पहले लगता था जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इससे छोटा कुछ नहीं होता, हमें पता लग गया क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स है। बहुत सारी चीज़ें हमें समय के साथ पता लग रही है। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो हो सकता है ये थ्योरी कल को गलत निकला है, क्या पता। जैसे अभी कुछ समय पहले की रिसर्च है, हमें पता था कि 5-7 साल तक के बच्चे का दिमाग डेवलप हो जाता है, उसके बाद उसका दिमाग डेवलप नहीं होता। अभी कुछ समय पहले की रिसर्च है, मेरे ख्याल 6 महीने 2 साल पहले की, जिसमें बताया गया है कि दिमाग पूरे जीवन डेवलप हो रहा है। अब बताओ कितनी फर्जी बात हम लोग पढ़ते हैं और ये हमारी हर किताब में लिखा है। तो थ्योरीज, अजम्पशंस, प्रपोजल्स, थीसिस में यही दिक्कत है कि दे माइट नॉट बी ट्रू, बट जब तक वो गलत नहीं होती तब तक हम उन्हें सही मान सकते हैं, बिकॉज वी नीड समथिंग टू रिलाई अपॉन, हमें कुछ चाहिए रिलाई करने के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं दोस्तों।
इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत लमसम 2500 साल पहले होती है, 2500 बीसी में होती है और ये 1750 बीसी के आसपास तक चलती है, ठीक है। और ये जो होती है कुछ भारत कुछ पाकिस्तान वाले हिस्से में इसकी शुरुआत होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। माना जाता है इस जमाने में 4 सिविलाइजेशन हुआ करती थी, वन ऑफ दी 4 अर्लीएस्ट सिविलाइजेशन। हाँ, अफगानिस्तान वाला हिस्सा भी इसमें कवर होगा, सिविलाई। कई बच्चे आज सोच के आए होंगे कि नोट्स तो हम पे है ही, ये बुकों में भी लिखा है, बट हमें याद नहीं होता। क्या पता सर की क्लास लगाने के बाद समझ आ जाए तो याद हो जाए। नहीं मेरे दोस्त, याद करने में तो उतनी ही मुश्किल होगी जितनी पहले हुआ करती थी, इस गलत फहमी में ना रहे। मैं समझा दूंगा बट रट्टे मारने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। वन ऑफ द 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। अभी वन ऑफ द 4 कौन सी है? इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट वाली नाइल या नील नदी के किनारे होगी। मेसोपोटामियन, पोटामिया, टाइग्रेस एंड यूफ्रेट्स। और चाइनीज सिविलाइजेशन, हुआंगहो। ये पूछ सकता है ये सिविलाइजेशन कौन सी नदी के किनारे है। अच्छा, सभी सिविलाइजेशन नदियों के किनारे क्यों है? कोई पहाड़ के किनारे, समुंदर के किनारे, ऐसी चीजों के किनारे क्यों नहीं है? क्योंकि पानी अवेलेबल है तो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं तो वहां पर जाके बस सकते हैं, बस सकते हैं तो बस बसते चले जाएंगे और भीड़ कर देंगे। तभी तो यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यूपी बिहार और अपना वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा, बिकॉज ये इलाके सपोर्ट करते हैं पॉपुलेशन को। बिल्कुल लाइव आसान है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलें जी आगे। यस दिव्यांश, अब ये कैसे पता लगा जमीन के नीचे ये सब लोग पड़े हुए हैं? ये इसका भी कोई तो कुछ तो इतिहास रहा होगा। तो देखिए, इसकी इसका जो मेसोपोटामिया जो है, इराक ईरान वाले हिस्से में है, जो सऊदी वाला आप ऐसे देखते ना, कैसा सा आपने देखा होगा उस यहाँ पर है ये। तो चलो थोड़ा सा और नीचे हो गया, थोड़ा और ऊपर आप इमेजिन कर लो, ठीक है। अब डाउट क्वेश्चन टाइप में भेज दो। अब जब रेलवे बनाई जानी थी तो रेलवे बनाने के लिए जमीन को खोदा जाएगा, क्योंकि जितनी मजबूत चीज बनानी है उसकी नींव उतनी मजबूत होनी चाहिए। भाई अगर मकान बनाना है तो मकान के लिए आप पहले गड्ढा करते हैं, वहां से मकान को शुरू करते हैं। लेकिन अगर कोई 50 मंजिला इमारत बनानी है तो उसके लिए ज्यादा गहरा गड्ढा करेंगे। इसी तरीके, क्योंकि रेलवे बनानी है तो वहां पर जो बीच में छोटे छोटे पहाड़ आएंगे उन्हें काटना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है सड़क को तो आप कैसे भी मोड़ दो, जैसे ऐसे मोड़ के ले जाओ। रेल मुड़ सकती है, पटरी मुड़ सकती है, बट इतनी ज्यादा नहीं मुड़ सकती। तो सबसे ज्यादा कोशिश करी जाएगी भाई रेल को जितना सीधा रखा जाए उतना सीधा रखें, कहीं मोड़ना है तो थोड़ा बहुत मोड़े। तो उसके लिए जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी जो इलाके ऊपर नीचे, तो उसे सही करा जाना था। अब उसे सही करने के लिए जो है ये टास्क दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय, आपको याद होगा 1850s के समय रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में, और उससे पहले ही जो है ये इलाके जो है खोदे जाने लगे होंगे। तो आपको पता है कि पहली बार जो है जो रेल बनी थी वो कहाँ से कहाँ बनी थी, रेलवे लाइन कहाँ बिछी थी सबसे पहले? मुंबई से ठाणे नहीं है मेरे दोस्त, यह लाहौर से कराची। यानी सबसे पहली रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी यह है लाहौर से कराची। कराची पोर्ट आपको पता है ना, अंग्रेजों ने बिछाई थी, क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, क्योंकि कराची एक बहुत फ्रूटफुल पोर्ट था, ठीक है। नहीं, ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ पूरे तरीके से, एक्यूरेट जो भी बोलूंगा इंडिया के रिस्पेक्ट में बोलूंगा। जी हाँ, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ है, लॉर्ड डलहौजी 1853। रेलवे लाइन लिखा है दिशा, दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है जी। कोई दिक्कत? तो बन गई लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है सबसे पहली जो साइट है वो कब खोजी गई है? मैं आज थोड़ा ना इसे इंटरैक्टिव सेशन बनाना चाह रहा हूं, बिकॉज ये समझ आ जाएगा ना तो अच्छा रहेगा। 1921, तो बहुत बड़ा गैप नहीं हो गया 70 इयर्स के आसपास का? क्या डेटा में मिसमैच है कुछ? नहीं, मैं आपको समझाता हूं। देखो होता क्या है ना कि सबको पता होता है क्या करना है, लेकिन एक इंसान ऐसा आता है जो उसे सच में अपने मन से करना चाहता है। यानी ये जब 1850 से लाइनें बिछ रही थी तो जमीन के नीचे जो है मुर्दे पड़े हुए थे। भाई आप
कंकाल पड़े हुए थे, लेकिन क्या वो बड़ी आम बात नहीं थी? भाई लोग तो रहा करते होंगे तो कंकाल भी होंगे, तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया कि चलो ठीक है कंकाल ही तो है, यहाँ रख दो, ये भी कंकाल, इसे भी यहाँ रख दो। समय बीता थोड़ा सा, 1856 आ गया, किसी ने कुछ खास इतना ध्यान नहीं दिया। 1856 में जो है आपने एक नाम सुना होगा, एलेक्जेंडर कनिंगम, इन्हें कहा गया कि दया कुछ तो गड़बड़ है, पता करो जरा। उन्होंने कहा ओके एसीपी साहब, और इन्होंने जो है पता करा, काफी ज्यादा मेहनत करी, मशक्कत करी, और इसलिए इन्हें जो है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। बट इनके पास इतनी पावर नहीं होगी ना जितनी चाहिए बड़े लेवल पे काम को करने के लिए, जैसे कि डोंट टेक इट अदरवाइज, जैसे कल को आप जो है एक टीए बन जाते हैं या फिर एक इंस्पेक्टर बन जाते हैं, आपका दिमाग कितना ही तेज हो लेकिन क्या प्रिंसिपल कमिश्नर के फैसले को बदल देंगे? नहीं। जितनी नीचे की पोस्ट होती है उतना माइक्रो वर्क आप करते हैं, जितनी ऊपर की पोस्ट होती है उतना मैक्रो वर्क आप करते हैं। यानी एक प्रिंसिपल कमिश्नर पूरे ऑफिस को संभालता है, तो वो एक्चुअली डेटा टाइप नहीं करता, उसका काम है गाइड करना, उसका काम है मैनेज करना, उसका काम है बड़े बड़े फैसले लेना जिससे डायरेक्शन बनती है उस कमिश्नरेट की। ऐसे ही आपके मंत्रालय में भी होता है, एक मंत्री जो होता है वो पूरे मंत्रालय को संभालता है, वो खुद कोई डेटा नहीं बनाता, कुछ भी नहीं, उसका काम है सिर्फ डायरेक्शन देना, और बाकी काम जो है जो पोस्ट होती है वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो एलेक्जेंडर कनिंगम ने जो है आर्कियोलॉजी का कॉन्सेप्ट तो शुरू कर दिया था, बट एक्चुअली 1905 में एक इंसान आते हैं, वो है लॉर्ड कर्जन। ये सब इंग्लिश लोग हैं क्योंकि हम पे अंग्रेज राज कर रहे हैं। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको पता ही है खास बात, ये है वाइसरॉय, लेकिन इनकी एक हॉबी भी थी, ये हुआ करते थे आर्कियोलॉजिस्ट। समझ पा रहे हैं? अब सोच के देखिए, शौक और पावर मिल गई। इस इंसान को शौक भी है जानने का और पावर तो बेहद है, कोई लिमिट ही नहीं है पावर की, वाइस रॉय है ये। अब इसने कहा कि काम करते हैं, एलेक्जेंडर कनिंगम भाई, उन्होंने आवाज नहीं दी, वो ना निपट गए होंगे अब तक। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, इन्होंने दूसरों से पूछा भाई कुछ आर्कियोलॉजी से एसोसिएटेड है क्या? हाँ, उन्होंने कहा भी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी है। इन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, डिपार्टमेंट ही बना देते हैं पूरा। यानी इन्होंने, लॉर्ड कर्जन ने, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बना दिया जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये बना है 1905 में, और उस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। समझ पा रहे हैं बात को? और इन्होंने कहा कि अब डिपार्टमेंट तो बन गया, थोड़ा सा काम करते हैं। तो इन्होंने जो इनके खास खास लोग हुआ करते थे उन्हें जो है पावर दे दी बहुत सारी, और वो पावर दे के कहा भी आप पता करो कि चल क्या रहा है, देखो एक बार। तो इनके दो खास लोग बड़े थे जो भारतीय ही थे, और भी कई सारे नाम पढ़ाऊंगा लेकिन मैं कहानी के चक्कर में पेपर से ध्यान नहीं हटाना चाह रहा। पहले थे दयाराम साहनी, दूसरे थे राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी जी ने पहली जो है सिटी खोजी, जमीन के नीचे दबी हुई, 1921 में ये काम करा, जगह का नाम था हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। और राखल दास बनर्जी जी जो है इन्होंने 1922 में दूसरी जगह खोजी जिसे कहा गया मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो। जो अब याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए कि सर पहले कौन सा, या किसने पहले करा, किसने क्या करा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं थोड़ी सी आपकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ईयर में पहले ये आता है और अल्फाबेट में पहले ये आता है, दोनों नामों में पहले ये आता है, ईयर में पहले ये आता है और सिटी में भी पहले ये आता है। 1922 है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। यानी जो गिनती में छोटा है वो अल्फाबेट में भी पहले आता है और उसकी सिटी भी पहले आती है। देखिए छोटी छोटी बारीकियां, अभी आपको लग रहा होगा पेपर में काम नहीं आएगी, बट पेपर में जब कंफ्यूजन होता है ना, डेटा दिमाग में नहीं आता, तो उस समय जो छोटी छोटी बातें हैं काम कर जाती है कि अब आपको कंफ्यूजन है। अच्छा 1921-22 में 21 छोटा नंबर है तो हड़प्पा छोटा नंबर है, या दयाराम का जो डी है वो छोटा पहले आता है, तो वो आंसर होगा। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। यहाँ तक की बात आप समझ पाए? बट अभी भी ये सिविलाइजेशन कैसे बन गई है? चलो एक सिटी मिल गई, बट व्हाई इज इट अ सिविलाइजेशन? क्योंकि एक एक करके ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिले जहां पर पता लगा कि पूरे पूरे शहर हुआ करते होंगे, मतलब हजारों लोग यहां पर रहते थे, प्रॉपर इनके घर थे, इनके इनके लिए सड़कें थी, सब कुछ था वहां पर। इसीलिए कहा गया कि ये जो लोग हैं एज अ सोसाइटी रहते होंगे, एज सिविलाइज्ड पीपल, सभ्य समाज के लोग थे ये, इसीलिए जो है उसे सिविलाइजेशन का नाम दिया गया।
ठीक है, हाँ सैनफोर्ड ऐसे भी आप समझ सकते हैं। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए दोस्तों? अब लेकिन ये किसी ने तो नाम भी दिया होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक पर्सनालिटी थी जॉन मार्शल, ये नोट कर लेना, ये शुभराज नहीं जाना, ये रख दिया बस। इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म जो है कि भाई ये इलाका जो है इंडस नदी के किनारे है, ये जो टर्म है कॉइंड बाय, यानी ये कहा गया इसे जॉन मार्शल के द्वारा। समझ पा रहे हैं? ये कुछ ऐसा चलता है शुभराज, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैंगलोर में एक जगह है पेनम्बरू, पेनम्बरू पे एक पोर्ट है हमारा बड़ा फेमस, मैंगलोर पोर्ट बड़ा फेमस पोर्ट है, तो उस पोर्ट का ही दूसरा नाम पेनम्बरू पोर्ट है। क्यों? क्योंकि वो पेनम्बरू में है। तो क्योंकि उस इलाके को पहले से हड़प्पा कहा जाता था, तो इन्होंने कहा हड़प्पा है। आई होप थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप समझ पाए कि जो हम रख सकते थे हमने वो सिंपली रख दिया, ज़्यादा लोड नहीं लिया। जॉन मार्शल वाली बात अगर आपने लिख ली है तो बहुत बढ़िया जी, यही तो कशिश हैरानी की बात है। इसी के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना है, इसी के लिए आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते हैं। जो जितना आप हैरान हैं वो हैरानी बिल्कुल जायज़ है, इसीलिए तो लोग पढ़ाई लिखाई करा करते हैं, इसीलिए तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कैसे ऐसा हो गया। आप सोच के देखिए ना, कितने बड़े बड़े रहस्य अभी हमें नहीं पता। ये पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, ये जितनी भी दुनिया भर की चीज़ें हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जो दूसरे पत्थरों के ऊपर रखे हैं, राम सेतु, हमें बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं पता। तो ये जानने का भी एक अलग ही मज़ा है। ठीक है, चलो खैर आगे चलते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता, जो बात सच है। हम जो है इस डेटा को पढ़ के परेशान है, लोग और डेटा बनाने के लिए परेशान है। ये नहीं पता लगता योगेश, ये हिट एंड ट्रायल है। ये क्या है कि आप एक इलाके को खोद रहे हैं और खोदते खोदते आपको वहाँ और कंकाल और कंकाल, कंकाल ही कंकाल मिलते जा रहे हैं, और आपने उसके बाद अच्छे से उसे जो है एनालाइज करा, ठीक है, तब आपने देखा कि अरे ये तो पूरा शहर है, इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं मिट्टी है कहीं धुआं धुआं। ठीक है, आई होप आप बात को समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मैंने आपको दयाराम सहनी, राखल दास बनर्जी जी के बारे में बता दिया है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो बता दिया है, नाम किसने रखा वो बता दिया, काफी कुछ मैंने जो है बता दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब थोड़ा सा जो है दिमाग खराब करते हैं आपका, थोड़ा सा आपको परेशान करते हैं। देखिए पहले के जमाने में ना पैसा नहीं हुआ करता था, कितनी बढ़िया बात थी ना, पैसा नहीं हुआ करता था। यानी आज तो क्या है, पैसे के लिए काम करते हैं, सरकारी नौकरी लगेगी, 65,000 आएंगे, घूमने जाएंगे, मम्मी पापा को गिफ्ट देंगे, गोल्ड की चेन देंगे मम्मी को, सारे सपने हैं। पहले पैसे ही नहीं था, फिर काम क्यों करते थे कुछ बताओ? पैसा नहीं था, ये रुपया नहीं था, ये नोट नहीं था, एक दूसरा सिस्टम था जो था बार्टर सिस्टम। ये क्लास बस खत्म ही होने वाली है 5 मिनट में, तो फोकस बना लीजिएगा। बार्टर सिस्टम में आपको बस थोड़ा सा समझा के क्लास को कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, बाकी टॉर्चर कल करेंगे। बार्टर सिस्टम ये कहता था कि अगर पर्सन ए है और पर्सन बी है, पर्सन ए के पास बहुत सारे हैं आलू और पर्सन बी के पास है मटर और पर्सन सी के पास है टमाटर। अब मुझे खाना है आलू मटर, ठीक है, पनीर वैसे मैं इसमें जो है अगर डाल लेंगे आप 50 रुपये का तो रॉयल चीज़ बन जाएगी, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सिंपल रखते हैं, ज़्यादा बिगड़ जाएंगे वरना ये लोग। तो ए बी सी तीन लोग हैं यहाँ पर, एक के पास आलू मटर और टमाटर है, अब तीनों को जो है आलू मटर की सब्जी खानी है। अब उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि ए को बी से मटर लेने हैं तो बी के पास मटर भी होने चाहिए, लेकिन साथ में बी को आलू की रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, उसे नहीं चाहिए आलू, उसे मटर पनीर खाना है, क्या दिक्कत की बात है? अगर दोनों में से एक भी चीज़ नहीं हुई तो ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा। सेम चीज़ यहाँ पर, सेम चीज़ यहाँ पर चलेगी, इसको बोलते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ये बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम, इसमें डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स नोट कर सकते हैं आप इसे, यानी मेरे पास जो है वो आपको चाहिए, आपके पास जो है मुझे चाहिए, तब जाके हमारे बीच वो ट्रांजेक्शन हो सकता है। समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा? बस ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई है, ज्यादा परेशान नहीं करता, क्लास यहाँ पे कंक्लूड होती है। जो मैं इस क्लास के लिए टारगेट बना के आया था वो मैंने कंप्लीट करा दिया। यदि एक को चाहिए तो वो काम नहीं बनेगा। तरुण सोच के देखो कि मान लेते हैं आपको जो है आलू चाहिए, अब सामने वाला कह रहा मैं दे ही नहीं रहा आलू, मैं तो जो है आलू उसे दूंगा जिसके पास भिंडी होगी, तो उस केस में आपको भी आलू नहीं मिलेंगे। और यही प्रॉब्लम थी इस सिस्टम के साथ। तो इन सब ने बाद में जाके डिसाइड करा भाई कॉमन सिक्का बना लेते हैं, ये सिक्के की कीमत तय कर देते हैं, यही सिक्के बाजार में घूमते रहेंगे, जिसने जो खरीदना है वो खरीदता रहेगा, इसी से करेंसी का जो है ओरिजिन होता है। ठीक है जी,
रिवीजन इस क्लास का नहीं करा पाऊंगा हिमांशु, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा है। चलो एक काम करते हैं, ये भी सही, आप मेरे लिए एफर्ट लगा रहे हैं, मैं आपके लिए एफर्ट लगाता हूँ। घड़ी देख के 3 से 4 मिनट में पूरी क्लास रिवाइज करा रहा हूँ, बदले में कुछ कंडीशंस हैं, कमेंट सेक्शन खाली रखिएगा, ठीक है। मैं जनरली रिविजन नहीं कराता हूँ, बट कभी कभार बनता है, कोई बात नहीं। आप जब जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छा है, मेरा थोड़ा सा एफर्ट जाता है, क्या जाता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, फोकस करिएगा। मैंने आपको इस क्लास में, जब मैं आया तो मैंने आपको बताया भाई, जितनी भी क्लासेस एंशिएंट इंडिया में होने वाली हैं, ये थोड़ी सी पेचीदा है, लेकिन उसमें सबसे पेचीदा, सबसे मुश्किल जो क्लास है वो होगी आज वाली क्लास, है ना। और उसके बाद मैंने जो है, रुकिए जरा मैं हारमोनियम उठा लूँ, जरा स्लाइड चेंज करने में आसानी रहेगी। मैंने आपको बताया भी एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत हमें नहीं पता कहाँ से है, हमें बस ये पता है कि आज तक चीज़ें जो है चल रही हैं। हमने पढ़ा कि ह्यूमंस, दैट इज होमो सेपियंस से पहले भी एक प्राणी हुआ करते थे जिन्हें हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया हिस्ट्री के कई सारे हिस्से हैं जिसमें प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, ये सब चीज़ें आती हैं। उसमें मैंने आपको इस डायग्राम से बेटर तरीके समझाया कि हम एक तरीका रख सकते हैं समझने का, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक, आयरन एज, और एक दूसरा तरीका हम सकते हैं कि सिंपल हमने जो है ये देखा कि कब तक लिखने वाला काम नहीं था, कब लिखने वाला काम बन गया, उसके हिसाब से हम चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने काम की बात, जो पेपर ज्यादा पूछता है, वो पढ़ी कि पैलियोलिथिक की फायर किस समय आई, ऑस्ट्रिच एग कब जमाने के पाए गए, टूल्स वर मेड ऑफ लाइमस्टोन, या फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। कुछ भी करें इसे याद कर ही लें, बिकॉज ये मुश्किल सवाल पूछते हैं और पूछते जरूर हैं, ठीक है जी। उसके बाद मीजोलिथिक में मैंने आपको कुछ जगह बताई, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया ह्यूमन स्केलेटन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का, माइक्रोलिथ का। उसके बाद मैंने आपको ये एविडेंस ऑफ पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा बताया, फिर नियोलिथिक के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा और बहुत सारी साइट्स हमने लिखी। इसके बाद कैल्कोलिथिक हमने देखा, इसकी थोड़ी बहुत साइट्स पढ़ी, व्हाइट लाइन पॉट पेंटिंग हमने पढ़ी। उसके बाद ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड है ये देखा, और ये जो है वैदिक सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड है आयरन एज, जो कि 1500 BC से माना जाता है 200 BC तक चली। उसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखा, और हमने देखा कि इसे जॉन मार्शल नाम के एक व्यक्ति ने ये टर्म कॉइन करा था, ये नाम दिया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पहला शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था, जिस वजह से हमने उसे दो नाम रख दिया। 2500 BC से माना जाता है 1750 BC तक ये चली, करीब 750 साल, और इसमें इस समय पूरी दुनिया में माना जाता है सिर्फ 3 और सिविलाइजेशन थी जो इसकी टक्कर की थी, यानी इस जमाने में हुआ करती थी। नील नदी के किनारे इजिप्ट, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के किनारे मेसोपोटामिया, और हुआंगो के किनारे चाइना। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत समझा कि एक्चुअली ओरिजिन क्या है, कि कहाँ से ये अचानक सिविलाइजेशन प्रकट हो गई। तो हमने देखा कि जब लॉर्ड डलहौजी के समय रेल की पटरियां बिछ रही थी, तब देखा गया कि जमीन से कंकाल पे कंकाल निकलते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा इनका करना क्या है। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंगम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, इनके समय में ये काम थोड़ा और दिलचस्पी से करा गया, बट एक्चुअली जो डिपार्टमेंट बना है वो लॉर्ड कर्जन के समय बना है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और वाइसरॉय भी थे। इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया 1905 में, और इन्होंने बहुत सारे लोगों को टास्क दिया, अलग अलग इलाकों पर भेजा और कहा कि भाई पता करो कि जमीन के नीचे है क्या। दयाराम सहनी जी ने 1921 में हड़प्पा, और राखल दास बनर्जी जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो नाम की जगह को खोजा। और उसके बाद एक एक करके बहुत सारे शहर जो है खोजे गए, वो मैं आपको कल वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय नोट नहीं हुआ करते थे, बार्टर सिस्टम चलता था। अगर आपने मूवी देखी है मोहनजोदड़ो, जो कि उसी की कौन है यार, वो फिर नाम भूल गया, मैं ऋतिक रोशन की है, तो मैंने भी उसके 10 मिनट देखे थे, मेरा फिर उसके बाद दिमाग भारी हो गया, मैंने उसे बंद कर दिया। उस 10 मिनट के अंदर मैंने एक सीन देखा, मूड खराब हो गया मेरा थोड़ा सा। वो सीन ये था कि वो जो है जबरदस्ती अपने सामान को बेचने की कोशिश कर रहा है, कुछ बाहर से लोग आए हैं और वो कह रहा है कि ये तो इतने का है, बिल्कुल नकली एक्टिंग चल रही है। वैसे वो बहुत अच्छा एक्टर है, बट हो सकता है उस समय उनका मूड ठीक ना हो या मेरा मूड ठीक ना हो, कुछ भी हो सकता है। उस सीन को देख के ये पता लगता है कि उस समय नोट नहीं हुआ करते होंगे, बार्टर सिस्टम जो है चला करता होगा, यानी आप तब सामान को लेंगे जब सामान आपको चाहिए भी, और बदले में एक ऐसा सामान आपके पास है जो मुझे भी चाहिए। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स था, जिस वजह से आगे जाके फेल हो गया, और एक कॉमन हमने करेंसी उठा ली जो कि पहले गोल्ड, सिल्वर इन सब की थी, आज हमने पेपर करेंसी जो है यूज में ले रखी है, ठीक है। इसके साथ ये सेशन यहाँ पे कंक्लूड होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कंटेंट वाइज बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, बट भारी कंटेंट है, इसी वजह से जब आप रिविजन कर रहे हैं तो आपको लग रहा है अरे तो थोड़ा सा है, बट जब हम पहली बार पढ़ रहे थे तो इट नीडेड दैट एक्सप्लेनेशन, तो इसी वजह से थोड़ा समय दिया गया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। कल वाली क्लास में ज्यादा कंटेंट होगा आज वाली से, ठीक है। तो अच्छे से इस कंटेंट को रिवाइज कीजिए, आई होप आपको सेशन में मजा आया होगा। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली थिंग दैट यू शुड स्टडी, आई एम जस्ट सेइंग दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड स्टडी। आपको सबसे पहले ये पढ़ना है, उसके बाद आप जो चाहे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लास कंक्लूड होती है, जो जाना चाहे जा सकता है। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। अब मैं कुछ डाउट्स देख लेता हूँ आपके। कशिश, काफ़ी सारे डिकम्पोज हो गए, ये भी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, कुछ बच गए, कुछ बच जाते हैं, कुछ डिकम्पोज हो जाते हैं, और साथ में ये देखा जाता है कि इनकी एज क्या है। तो एज देखी जाती है कार्बन डेटिंग नाम के एक मेथड से, देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ में C14:C12 का रेशो क्या है, और उस रेशो के हिसाब से जज करा जाता है। इन्हें पता होता है कार्बन की हाफ लाइफ कितनी है, तो देखते हैं कितना बचा है तो फिर कितने साल पुराना होगा।
ठीक है, कुछ खराब अधिकतर खराब भी हो जाते हैं कशिश, कुछ बच भी जाते हैं। विकास, से आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा इसकी अलग अलग थ्योरीज हैं। जो मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से आए थे, वैसे आपको कल की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। तो काफी, ये क्या लिखा है, काफी समटाइम्स आई फील काफी कुछ हो। सी द अल्टीमेट गोल इज टू स्टडी, वी प्लान सो दैट वी कैन स्टडी। इफ यू आर एबल टू स्टडी विदाउट प्लानिंग, वेल एंड गुड। प्लानिंग इज जस्ट अ सपोर्ट सिस्टम, एक्चुअल वर्क इज स्टडी ओनली। इफ यू कैन स्टडी विदाउट प्लानिंग, वेल एंड गुड, क्या दिक्कत की बात है। क्या जो आप काफी कुछ पढ़ रहे हैं उससे आपको आउटपुट मिल रहा है, आपके स्कोर से आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है काफी कुछ पढ़ना, बस वेल एंड गुड, ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है। अच्छी बात है ना दिशा, तो देखिए जो सेटिस्फाई हो गए उनका कुछ नहीं हुआ, बुरा मत मानिएगा, साफ कह रहा हूँ। जो एस्पिरेंट बन के खुश हैं वो लंबे समय में कैसे, देखिए थोड़ा तो स्ट्रेस होना जरूरी है, थोड़ा स्ट्रेस होना जरूरी है ना लाइफ में। आई एम नॉट सेइंग खुश हैं तो कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुश इंसान हूँ और मैंने भी ठीक ठाक अपने जीवन में अचीव करा है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा स्ट्रेस होना जरूरी है, मुझे भी होता है। आजकल मैं फ्री टाइम में, मुझे स्ट्रेस नहीं है तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ बिना बात। मैं बहुत बार इसे पढ़ चुका हूँ, आज देखो मेरे पास एक बुक रखी हुई है ये राजीव वाहिद, मैं फिर इसकी एक रीडिंग लगा रहा हूँ ऐसी। मुझे नहीं पता मैं क्यों इसे पढ़ रहा हूँ, मैं फिर इसकी रीडिंग निकाल रहा हूँ। मैंने अपने आपको टारगेट दे रखा है 15 दिन में इसे अच्छे से एक बार दोबारा खत्म करना, सो दैट यू नो यू स्टे इन टच विद द थिंग्स। हम लोगों का काम बड़ा मुश्किल काम होता है, हमें बहुत सारा ज्ञान होने के साथ साथ वो सही ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। इस वजह से मैं बार बार चीज़ों को पढ़ता रहता हूँ और हर एजुकेटर जो है पढ़ता हुआ। हाँ पूरी ज्यादा नहीं है, 800 पेज के आसपास है हिमांशु, और छोटी बुक है तो इट फील्स लाइक अ थिक बुक, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप एक बार पढ़ने में बैठेंगे तो ये है कि मतलब एक फ्लो में आप 15-20 पेज आराम से पढ़ लेंगे। आधे घंटे अगर आप बैठ गए, एक घंटा बैठ गए तो एक घंटे में 10-12 पेज हो जाते हैं और फ्लो में। और सेकेंडली देखिए मुझे रीड करना है बस, मुझे ऐसा रट्टे नहीं मारने, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रेड द बुक्स, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं होता, 15-20 दिन में हो जाती है। देखो 30 × 30 900 होते हैं, है ना, तो 30 × 2 × 15 900 होते हैं, तो 30 पेज के 2 सेशन 15 दिन तक 900 होते हैं। ये नहीं हो पाएगा मुझे पता है, इसलिए मैंने टारगेट जो है लिया था मई की शुरुआत में, जिससे कि 15 दिन में नहीं होगा तो मई एंड तक हो जाए, मई एंड में नहीं होगा तो जून में हो जाएगा। मेरा कौन सा पेपर है, ये तो मैं शौक के लिए पढ़ रहा हूँ, है ना, मेरा कौन सा पेपर है अगले महीने, तो मुझे ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई होप आपके सवाल का आपको आंसर मिल गया होगा सैंकफर्ड। अल्टीमेट गोल इज टू स्टडी, नथिंग एल्स। अच्छा कल मुझे याद दिलाना, वैसे तो मैं ध्यान रखूंगा, मैं इसको लेके थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, इसको लेके थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, बिकॉज ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी एक दिन में नहीं बना है, इसमें भी एक पूरा प्रोसीजर है काइंड ऑफ, तो ये इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इसमें 1860s वाली बात, 1853, 56, 61, ये तीनों मैं आपको बताऊंगा। कल मुझे एक बार ध्यान दिलाना, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ वैसे 1905, या कल मुझे एक बार ध्यान दिलाना, अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूँ। 1905 में भी काम हुआ, बट मैं चाहूंगा कि इसे एक बार और डिस्कस करूँ, ठीक है। अभी आप भी चाहो तो इसे हटा दो, कल मुझे याद दिलाना। चलते हैं इसको लेके बेटा तुषार, मुझे ना कुछ खास आइडिया नहीं है। आई थिंक जितने भी सरकारी बैंक है, सरकारी एज इन जो भी बड़े बड़े कमर्शियल बैंक है, सबका सब कुछ सेम रहता है, बिकॉज मार्जिन कम ही होता है चीज़ों में बैंक्स के लिए, तो सब बराबर ही खेलते हैं। आप जैसे जो भी ट्रस्टेड बैंक्स है, SBI है, HDFC है, इन सबसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हाँ तरुण, आपने भी देखिए सिमिलर डाउट भेजा, सही कर आपने भेज दिया, कल इसे एक बार मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। योगेश, देखो आर्ट एंड कल्चर को तैयार करने के 2-3 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो मुझे लगता है सबसे प्रैक्टिकल रास्ता, वो ये है कि SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आर्ट एंड कल्चर के जितने भी सवाल आते हैं उनके अंदर जो टॉपिक्स छुपे होते हैं, इसे आप जो है इंटरनेट से पढ़ लीजिए।
जैसे आपको वहां पर एक सवाल दिखा सिक्किम एसोसिएटेड, तो आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, ये तो बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। दूसरा तरीका, अगर आपके पास इससे ज्यादा समय है तो कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे CCERT की एक वेबसाइट है, ये आप रेफर कर सकते हैं। एक NCERT आती है अपने आप में, आर्ट एंड कल्चर की, ये 11वीं या 12वीं में से है, वो येलो ऑरेंज सी किताब है, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं। बट मैं ये चीज़ इतनी रिकमेंड इसलिए नहीं करता बिकॉज ये बहुत सारा समय खा जाती है, आपका आउटपुट थोड़ा कम मिल पाता है। तो ये दो रास्ते हैं, आप आर्ट एंड कल्चर के बारे में अगर सोचें तो इनमें से किसी एक तरफ आप जाकर तैयार कर सकते हैं। अर्नब, कौन सी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं? अगर आप स्टेनो की कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आपको मैथ्स के बिना सिलेक्शन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मैथ्स आप नहीं छोड़ सकते, यानी अगर नौकरी लेनी है तो मैथ्स तैयार करनी ही है, ठीक है? अब आप सेकेंड ईयर में, तो आपके पास तो अभी समय है, आप अच्छे से क्या करिए, अच्छे से एक एजुकेटर के कोर्स को लगाइए, कोई से भी एजुकेटर को पकड़िए और उसके कोर्स को अच्छे से लगाइए, जो मन करे, रिकॉर्डेड कोर्स हो, लाइव कोर्स हो, नया हो, पुराना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फुल कोर्स, कंप्लीट कोर्स करके जो कोर्सेज होते हैं उसे लगाइए और ईमानदारी से 2-3 महीने में उसे पूरा करिए अच्छे से। हर एक सवाल आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके आप उस कोर्स को कंप्लीट मानिएगा, ये करिए। उसके बाद एक एजुकेटर, चाहे सेम एजुकेटर हो या दूसरा एजुकेटर हो, उसके SSC के प्रीवियस ईयर बेस्ड प्रैक्टिस कोर्स होगा, कोई ना कोई हर एजुकेटर लाता है, हम भी लाते हैं, उस कोर्स को लगाइए, उन क्वेश्चंस को पहले खुद ट्राई करिए, फिर एजुकेटर के सोल्यूशन को देखिए। ये कर लीजिए, मेरा ख्याल इससे आपका काम बन जाएगा। उसके बाद तो देखिए प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चाहिए, बाकी प्रैक्टिस से ही काम बनेगा। सी, नर्वसनेस इज नॉट अ बैड थिंग। If you are not getting the marks, if you are not getting the right answers, then it's an issue. If you are just feeling anxious, it is okay. If you are not getting the answers right, in that case, you can start writing the things. In case you don't remember the amendments, in case you don't remember fundamental rights, write all the articles. Write article 12 means this, 13 means this, because this is the thing that is left. You are not in the starting phase of your preparation. You've already done many things. So this is the last 15-20% of the preparation. You have the time, you can maybe go with this thing. ठीक है, मतलब लिखकर कर लो चीजों को, अच्छा रहेगा। बेटा मैं समझा नहीं नीपा, आपको जो है मुझे बताना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। इको में जो है कैसे सवालों में दिक्कत आ रही है, मतलब कहाँ दिक्कत आ रही है, वो कौन से सवाल है जिसमें आप फंस रहे हैं? ठीक है, मुझे भेजिए आप चाहे कल की क्लास में, अभी कोई बात नहीं, आप मुझे भेजिएगा। अच्छा, इको में दिक्कत थोड़ी बहुत आप सॉल्व कर सकते हैं WO के इको वाले सेक्शन को लगा के। वो हर पेपर में, हर साल के हर, जैसे 4 तारीख को 5 तारीख को पेपर हुआ था, तो आपको 60 सवाल वहाँ से मिल जाएंगे। तो इको की अगर आपको और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है तो मे बी उसमें जो ईजी पोर्शन है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे क्वेश्चन भेजिएगा कल की क्लास में, मैं देखना चाहूँगा कौन सा कंटेंट है जो परेशान कर रहा है, अकॉर्डिंगली वील ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। आप अगर ये पूछ रहे हैं नोट्स कैसे बनाने हैं चंदन, तो बेटा जो जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, बस वही आपके नोट्स हैं। योगेश, आई होप आपको भी आंसर मिल गया होगा। अभी कुछ देर पहले किसी बच्चे ने डाउट पूछा था आर्ट एंड कल्चर वाला, पता नहीं आपने पूछा था किसी, आपका ही है, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। स्टबन, बेटा मुझे इस बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है, मेरा डोमेन नहीं है ये, है ना? तो ये आपको थोड़ा इंटरनेट की मदद लेनी होगी, तभी जाके काम बनेगा। बाकी करेक्शन विंडो जो है वो चल जाएगी, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आप और टाइमिंग पे एक बार ट्राई करिए। बाकी EWS के लिए क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, उस पर आप ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च कर चुके होंगे, तो उसी के साथ जाइए, उस रिसर्च के साथ। मेरा ये जो है डोमेन नहीं है। ये तो कुछ काम की नहीं है वैसे, कुछ समझ ही नहीं आएगा इसमें, तो लैंडस्केप ही बेटर है। मॉडर्न टाइम समझा नहीं बेटा, मॉडर्न टाइम का क्या मतलब है?
मॉडर्न की जगह आप एंशियंट कहना चाह रहे हैं क्या? अच्छा, अपने आप ही हो गए, ठीक है। मॉडर्न इंडिया ही तो चल रहा है इस समय जिसमें हम हैं, ये समझा नहीं मणिप्रिया, एक बार आप लिखिएगा इसका मतलब क्या है। नहीं, मेरे हिसाब से किताब नहीं लगानी चाहिए, कोई फायदा नहीं होगा। फिर भी अगर आपके पास ऑलरेडी मान लेते हैं लूसेंट है, अब आपने उस पर पैसे लगाए, आप चाह रहे हो कि एक बार रीडिंग उससे निकाल लो, तो कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, किताब को पढ़ने से सीखने को मिलता ही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस और उस ये जो प्लस स्पेशल की प्रैक्टिस के साथ ही, इतना काफ़ी रहना चाहिए। इसके अलावा बचा हुआ समय बाकी सब्जेक्ट्स पे, करंट अफेयर्स वगैरह पे लगाना चाहिए। बाकी अगर आपका मन है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, बिल्कुल पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जब मैं खुद पढ़ता हूँ तो मैं आपको कैसे रोकूँ, क्यों रोकूँ? देखिए, एंशियंट टाइम में जो है क्या पढ़ा करते होंगे, अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं, तो जो आज जिसे हम कल्चर बोलते हैं वो उस समय लाइफ हुआ करती थी। आज जब ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं, क्यों पढ़ाई जाती है ज्योग्राफी, या क्यों पढ़ाई जाती है इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़ाया जाता है फाइनेंस, अकाउंट्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री? बिकॉज इट इज़ यूजफुल इन द लाइफ। पहले के ज़माने में जो लाइफ होती थी उसका मतलब होता था कि आपको अच्छे से रहना है समाज में, ज्ञान आपको आगे देना है, और आपको खेती करनी है, आपको खाना खाना है, परिवार के साथ सोसाइटी के साथ अच्छे से रहना है। तो जो जिसे हम आज वेद कहते हैं, जिसे हम उपनिषद पढ़ेंगे हम आगे चल के, वो कहते हैं पहले बस वही सब सिखाया जाता था। यानी पहले मिली जो विद्या है वो धार्मिक तौर पे दी जाती थी, इंसान को अच्छा बनाने के लिए दी जाती थी, और उसी धार्मिक विद्या में उसे सब समझ आ जाता था। उसी धार्मिक विद्या में उसे समझ आता था पेड़ पौधों का क्या इस्तेमाल है, उसे समझ आता था पानी का क्या इस्तेमाल है। हम कहते हैं ना इंद्रदेव हैं, वायुदेव हैं, सूर्यदेव हैं, तो इनडायरेक्टली हम उस समय उस तरीके समझ लेते थे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज जैसे हम कल्चर कह देते हैं या फिर हम कह देते हैं फेथ है, उस समय ये नॉर्मल लाइफ का रूटीन हुआ करता। आदर्श, अगर आपने वो अच्छे से लगा लिया है, सीख लिया, तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जी हाँ। बट कृष्णा, यहाँ पर एक दुख की बात है और हैरानी की बात है, सेम नहीं होगी। हिस्ट्री पढ़ाई जाती होगी बट बहुत अलग होगी। स्पेशली जो मॉडर्न इंडिया है वो लोग बहुत ही अलग पढ़ते होंगे। जैसे हमारे भारत में जब हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उससे पढ़कर आप खुद ही कह देते हैं कि जिन्ना जी गलत है, ऐसी पढ़ते हैं, हमने भी ऐसी पढ़ी है, हमने पढ़ाई भी ऐसी, बिकॉज दैट इज़ वॉट बुक्स से, हमारी किताबें या हमारी सोच उसी तरीके की है, जो कि सही भी है। भाई भारत सही है, भारतीय सही है, जो हमारे खिलाफ है वो हमसे वो गलत है, ऐसे ही चलता है, हर देश ऐसे ही पढ़ाता है, हर देश ऐसे ही कामयाब होता है। तो वहां पर उसकी थ्योरी अलग हुआ करती होगी, बट हाँ ये सब चीजें जो है ये कॉमन हुआ करती होंगी। यानी जब तक भारत पाकिस्तान की लड़ाई की बात नहीं हो रही तब तक वेरी सिमिलर, उसके बाद चीजें बिल्कुल पलट जाती होंगी। वहां पढ़ाते होंगे कि भारत ने कैसे कैसे गलत करा, या भारत ने क्या क्या गलतियां करी, कांग्रेस ने क्या गलत करा, इस तरीके पढ़ाया जाता होगा, ऐसे ही चलता है। उनके लिए तो और मुश्किल है, उन्हें बांग्लादेश और पढ़ना पड़ता होगा, बांग्लादेशों के लिए बड़ा मुश्किल है, उन्हें पूरा पाकिस्तान पढ़ना पड़ता होगा, फिर इंडिया भी पढ़ना ही पड़ता होगा, बीच में बैठे हैं उनके। जी हाँ, देखिए पैटर्न बहुत अच्छा है, बिकॉज पहले इतना बड़ा गलत होता था। पहले एक एवरेज बच्चा मैथ्स ही पढ़ता था अपने जीवन के 70% टाइम, या 60% मान लो, और बचे हुए 30 और 40 में से 30% टाइम वो इंग्लिश पढ़ता था, और बचे हुए 10% में से वो क्या करता था, रीजनिंग और जीके को पढ़ता था। इससे क्या प्रॉब्लम आती थी ना, कि जो मैथ्स में स्कूल टाइम से तेज है उसे कोई नहीं हरा सकता। जैसे मैं स्कूल में मैथ्स में बढ़िया हूँ मान लो, उसे कोई कुछ कर ही नहीं सकता, वो उसे पता है ऑलरेडी उसके 190 नंबर के आसपास यहाँ आने। इंग्लिश में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बढ़िया हैं, उन्हें पता है 180 उनके यहाँ जाने होगा, इनके 370 मेंस में 400 में से, मैं कहूँ 360 अगर किसी के आ गए 400 में से। प्री में भी ये लोग यही करते थे, रीजनिंग की पहले कोई इज्जत ही नहीं थी, रीजनिंग में पहले 45 मार्क्स वाला दुखी होता था, क्या यार मेरे को तो 50 लाने थे। तो पहले ये क्या करते थे, मान लेते हैं 50 यहाँ ले आए, इन दोनों में मिला के ले आए 95, 145 उसके यही होगा, जीके में 15-20 नंबर आ गए उसके, 160 नंबर ये हो गए, हो गया उसका काम, नॉर्मलाइजेशन से ये 170 पहुंच गए, 60 नंबर से Tier 3 में मिल गए, हो गया सिलेक्शन। ये गलत पैटर्न था, आज का पैटर्न थोड़ा बेटर है, उसमें क्या है हर बच्चे को एज मिलती है। आज क्या पैटर्न आ गया है कि अगर आपको जीके नहीं आती तो आपकी 4600 ग्रेड पे की नौकरी लगने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि 4600 का मतलब 300 समथिंग, अब वो 300 समथिंग में 310 भी हो सकता है, 305, 320, वो 300 समथिंग लाने के लिए आपको बहुत सारे नंबर चाहिए। भाई अगर मैं जीके की बात करूँ, जीके के 75 नंबर के सवाल आते हैं, अगर ये हट गए तो 315 बचे, 315 में से कौन ले आएगा 300 प्लस, कोई भी नहीं ला सकता मेंस में, कोई भी नहीं का मतलब अधिकतर बच्चे नहीं ला सकते।
क्योंकि वो कैब डेफिनेटली अजीबो गरीब पूछी जा सकती है और मैथ्स रीजनिंग एक साथ है तो उसकी वजह से समय नहीं है अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मेरे हिसाब से नया पैटर्न न्यू कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा है, पुराने लोगों के लिए थोड़ा नुकसानदायक है बिकॉज उनका दिमाग उस पर सेट हो चुका है पैटर्न पे, और पुराने पैटर्न में बहुत बड़ी कमी टीयर 3 था, हजारों बच्चों की जिंदगी उसने खराब करी है। बिना बात ही बच्चे को 35 नंबर मिल गए, वो 60 की उम्मीद कर रहा था, सीधा ही बाहर हो गया। नए क्वेश्चन मिलेंगे ना, बिल्कुल मिलेंगे लर्नर। पहली बात तो बायो पूरी नहीं हुई, ठीक है। अगर आपने कहीं और से जैसे मेरे पिछले कोर्स से बायो पूरी कर ली तब भी नए क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने कहीं क्लेम नहीं करा कि इतना पढ़ लो इसके बाहर नहीं आएगा। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो मैं आपको प्रैक्टिस कोर्सेज देता हूँ, स्पेशली जो स्पेशल क्लास 7 से 8 वाली, वो जरूर लगानी है, वो लगाना स्टार्ट करो। ये 100 क्वेश्चन डेली कर रहे हो ना, इसके साथ वो 1 घंटा भी आप मुझे दो। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो चाहे उसे रिकॉर्डेड देखो, बट वो 1 घंटा मुझे जरूर दो, उससे आप देख लेना आपकी तैयारी में बहुत फर्क आएगा। देखिए, आप सबसे पहले तो क्या करिए, जो आपका एंशिएंट पोर्शन है उसे मत स्किप करिए, यानी अगर आपका मिडिवल मॉडर्न छूट भी गया है ना तो